नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर एक और एग्जिट पोल की खास डिटेल। यूपी का एग्जिट पोल तो कल आपने देख लिया और बहुत सारे एग्जिट पोल आपने देख लिए, लेकिन आज हम यूपी की वीआईपी सीटों का एग्जिट पोल दिखाने जा रहे हैं। आपको हम बताएंगे कि यूपी की एक एक वीआईपी सीट का हाल आखिर है क्या, कहां कौन सा वीआईपी जीत रहा है, कहां कौन सा वीआईपी हार रहा है और कहां कहां कांटे की लड़ाई है। हमने उत्तर प्रदेश की 403 में से बेहद खास 30 सीटों को चुना है और सबसे पहले वो सीटें कौन कौन सी हैं ये हम आपको बता देते हैं। और इसके अलावा एक बार जरा पूरे स्टूडियो का कैमरा एक बार दिखा दिया जाए कि आज जो हम बात करेंगे आपसे उन लोगों से करेंगे जिन्होंने पूरा उत्तर प्रदेश घूमा है इस एक महीने के चुनाव के दरमियान। हमारे 5 रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं, नीतीश चंद्र हमारे साथ हैं, राजेश कुमार हमारे साथ हैं, गुनीका अरोड़ा हमारे साथ हैं, पवन नारा हमारे साथ हैं, जो लोग फील्ड पर गए हैं, इस पूरे चुनाव को बहुत नजदीक से देखा है, लोगों से बात की है, जात का फैक्टर चला है, धर्म का फैक्टर चला है, काम बोला है, राशन चला है, ये सारी चीजें जानते हैं और किस किस बात पर नाराजगी रही, कोई नुकसान हुआ तो किस वजह से होगा, तो वो आपको आज वो लोग बताएंगे जो जमीन पर जाकर ये जानकारी लेकर आए हैं। और साथ साथ हमारे साथ हैं ग्राउंड जीरो रिसर्च के शशि शंकर सिंह, जिन्होंने ये एग्जिट पोल किया था और इन सीटों के नतीजों की सारी जिम्मेदारी इनकी है, हमारी नहीं, ये मैं साफ साफ कह रहा हूं। शशि जी, देखिए बहुत सारी सीटें हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, नाराज भी हो सकते हैं आपसे। जी, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तो एक एक करके सीटों से शुरू करेंगे। पहले आपको जरा हम सारी सीटें दिखा देते हैं, स्क्रीन पर आ जाएं वो सारी सीटें जिनका जिक्र आज हम करेंगे। और खास सीटें हैं, इनका पैमाना जो है वो बड़े प्रत्याशी भी हैं और अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी हाई प्रोफाइल है तो उस वजह से भी, जैसे कैराना की सीट है, कैराना की सीट, नाहिद हसन का नाम, मृगांका सिंह का नाम आपने इस चुनाव में खूब सुना है, तो कैराना में आखिर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। ऐसे ही थाना भवन, मंत्री यहां से आते हैं, क्या वो अपनी सीट निकाल पाएंगे, सुरेश राणा। सिवाल खास भी वेस्टर्न यूपी की सीट है, सरधना, संगीत सोम यहां से चुनाव जीतते आए, लेकिन इस बार क्या जो गठजोड़ हुआ है पश्चिम में उसका कोई खामियाजा उनको होगा। ऐसे रामपुर की सीट, आजम खान के सामने वो शख्स चुनाव लड़ रहे थे जिन्होंने उन्हें जेल में डालने में बड़ी अहम भूमिका अदा की है, क्या वो वहां पर आजम खान का तिलिस्म तोड़ पाए। और उससे ऊपर है स्वार की सीट जहां आजम खान के बेटे लड़ रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं। नोएडा की सीट है, गाजियाबाद की सीट है, अतरौली, कल्याण सिंह के पोते यहां से चुनाव लड़ते हैं, क्या वो मंत्री भी है, क्या इस बार चुनाव निकाल पा रहे हैं। मथुरा में मंत्री है, करल में अखिलेश यादव के सामने केंद्रीय मंत्री को उतारा बीजेपी ने, इतना बड़ा दाव चला, लेकिन क्या करल में अखिलेश यादव को वो हिला भी पाए, आपको इस नतीजे से जो एग्जिट पोल का है हो सकता है हैरानी भी हो। शाहजहांपुर, लखनऊ की सीटें, लखनऊ पूर्व, लखनऊ कैंट, मंत्री यहां से भी चुनाव लड़ रहे हैं, सीटें बदल के भी लड़ रहे हैं। इसके अलावा रायबरेली की सीट जो पहले कांग्रेस के पास थी, विधायक बीजेपी में आ गई, इस बार फिर लड़ी हैं अदिति सिंह, क्या हुआ उसका असर, क्या वहां पार्टी छोड़ने की सजा लोगों ने उनको दी है, गांधी परिवार के प्रति कोई लॉयलिटी अभी भी क्या लोगों के मन में है। ऐसे कन्नौज की सीट है, जसवंत नगर की सीट, शिवपाल यादव की सीट, चाचा की सीट है, क्या होगा वहां पर। महाराजपुर, सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव लड़ रहे हैं उप मुख्यमंत्री, बहुत लोगों का मानना है कि बड़ी टफ फाइट है उस सीट पर, लेकिन क्या वाकई में यह हकीकत है या बड़ी आसानी से अपना चुनाव निकाल रहे हैं या वहां उनके साथ कोई राजनीतिक अनहोनी भी हो सकती है। ऐसे इलाहाबाद पश्चिम की सीट है, इटवा की सीट है, गोरखपुर शहर यानी खुद मुख्यमंत्री की सीट है, बहुत से लोगों ने तो यहां तक कहा कि गोरखपुर भी बीजेपी के लिए सेफ नहीं है और नाराजगी जो है बाबा को लेकर बहुत है, लेकिन अगर गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, किसी अनहोनी की कोई दूर दूर तक गुंजाइश दिखती है क्या, आपको एग्जिट पोल बताएगा। फाजिल नगर, देवरिया, पथरदेवा, मऊ, देवबंद, घोसी, जहूराबाद, शिवपुर, तो ये वो सीटें जिनकी आज हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं। और इन सीटों में वो सीटें भी शामिल हैं जिन पर वो बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं जो चुनाव से एन पहले बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, जैसे दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य और इसके अलावा उनसे थोड़ा पहले ओम प्रकाश राजभर, तो उन सबका भी क्या हुआ जिन्होंने बीजेपी का दामन एन वक्त पर छोड़ा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, एक एक सीट लेकर के करते हैं। सबसे पहले जो पहली सीट दिखाई दे रही है कैराना, तो कैराना की सीट का एग्जिट पोल क्या है ये आपके सामने रख दें। हमारा एग्जिट पोल कैराना में बीजेपी के प्रत्याशी मृगांका सिंह और सपा के प्रत्याशी नाहिद हसन की इस लड़ाई में नाहिद हसन को जीतता हुआ देख रहा है, यानी कैराना में जितना जोर लगा
वहां जाकर खुद होम मिनिस्टर अमित शाह ने पर्चे बांटे अपनी पार्टी के लिए, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि नाहिद हसन को हरा पाने में कामयाब हो पाएंगी मृगांका सिंह। मृगांका सिंह के पीछे एक पूरी राजनीतिक विरासत भी है और आज तक कैराना से वो जीती भी नहीं है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि ये सीट शायद वो निकाल लेंगी। लेकिन नाहिद हसन जीतेंगे कैराना से, इस वक्त की बड़ी खबर है कि कैराना से सपा के नाहिद हसन जीत सकते हैं, हमारा एग्जिट पोल ये कह रहा है। और नाहिद हसन जेल में थे जब चुनाव हो रहा था, आपको यही बता दें, चुनाव से वोटिंग से पहले उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उन पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज था। लेकिन नाहिद हसन के लिए वहां के लोगों में ऐसा लगता है कि शायद एक जज्बा था, हो सकता है कोई सिंपथी भी थी, तो यह सीट जो है वो निकाल रहे हैं। मृगांका सिंह एक बार फिर उनकी किस्मत उनके साथ नहीं दिखाई दे रही है, भले ही यहां पर उनके परिवार की एक बहुत बड़ी विरासत हो, लेकिन तब भी कैराना में नाहिद हसन ही इस बार जीतेंगे, ऐसे हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से हमें लगता है। एक सीट और देख लेते हैं, दूसरी सीट है थाना भवन की। थाना भवन की सीट भी नजदीक की सीट है, यहां से गन्ना मंत्री सुरेश राणा कैबिनेट मिनिस्टर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने अशरफ अली हैं सपा से, और बल्कि आरएलडी से हैं ये, और हमारे मुताबिक ये कांटे की टक्कर है। इसमें एज किसके पास है ये मुझे लगता है कि जो हमारे सेफोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सर्वे किया है, शशि शंकर, वो आपको बेहतर बताएंगे। शशि बताइएगा जरा इसमें से कौन आगे कौन पीछे। देखिए इस सीट में कांटे की टक्कर है और इस सीट में मुस्लिम और जाट ये दो मतदाता तय करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और ये जो सुरेश राणा जी, इनको पिछले चुनाव में जाट मतदाता अधिक वोट किए थे, अगर इनसे जाट मतदाता थोड़ा सा भी कट जाते हैं तो फिर इनकी सीट फंस सकती है, लेकिन अगर पिछले बार की तरह ही जाट इनके पक्ष में आया होगा तो ये चुनाव जीत सकते हैं। मैं एक बार जरा ये इस बेल्ट की तीन चार सीटें दिखा दूं, उसके बाद आप लोग खुल के बोलिएगा। अगली सीट पर आ जाते हैं, हम कह रहे हैं कि थाना भवन मंत्री सुरेश राणा की सीट फंसी हुई है, कांटे की टक्कर है इस सीट पर। आरएलडी के प्रत्याशी है इस सपा गठबंधन के गुलाम मोहम्मद, वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, अशरफ अली माफ कीजिएगा चुनाव लड़ रहे हैं। सिवाल खास की सीट देख लेते हैं, यहां पर भी मुस्लिम वोटर काफी है, तो सिवाल खास में मनेंद्र पाल सिंह है बीजेपी से और गुलाम मोहम्मद है आरएलडी से, और यहां पर आरएलडी की जीत ऐसा लग रहा है कि होगी। अब इसमें बहुत खास बात करने की यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत से विश्लेषकों का मानना यह था कि जाट वोटर जो है वो मुसलमान कैंडिडेट के लिए वोट नहीं करेगा, भले सिंबल चाहे नल का सिंबल हो चाहे साइकिल का सिंबल हो, लेकिन यहां वो चीज काम करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जानेंगे उनसे जो गए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिन्होंने देखा है। तो सिवाल खास की सीट सपा प्लस निकाल सकती है, आरएलडी के गुलाम मोहम्मद ये सीट जीत सकते हैं। एक सीट और इसी बेल्ट की, सरधना संगीत सोम की सीट। संगीत सोम की सीट पर क्या है मंजर देखते हैं, इनके सामने अतुल प्रधान है सपा के, तो अगली सीट आपके सामने आने जा रही है, सरधना की सीट आ रही है, संगीत सोम वर्सेस अतुल प्रधान, और यहां भी मामला जो है वो फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। संगीत सोम एक लोकप्रिय नेता है अपने इलाके में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या वजह है कि इस बार उनको काफी टक्कर देखने को मिल रही है। तो चलिए एक एक करके इन सीटों का अब विश्लेषण हम शुरू करते हैं। हमने पश्चिम उत्तर प्रदेश की इन चार सीटों का जिक्र किया है, कैराना जहां से मृगांका सिंह हार सकती है हमारे मुताबिक, थाना भवन जहां से सुरेश राणा की सीट फंसी हुई है मंत्री है, सिवाल खास की सीट जहां पर सपा जो है आरएलडी जो निकाल सकती है, और सरधना जहां संगीत सोम की सीट भी फंसी हुई दिखाई दे रही है। तो हमारे सहयोगी में से पहले जी पवन बोलना चाह रहे हैं, मैं मुझे आपसे कैराना का जानना है, मुझे बताइए कैराना में इतना जोर लगाने के बाद भी मृगांका सिंह क्यों नहीं जीत पाएंगी अगर ये एग्जिट पोल सही होता है तो। देखिए सीधी सी बात है, कैराना को अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के लिए कैराना एक प्रोजेक्शन का मामला है, उन्हें जब अमित शाह वहां गए होंगे तो इस बात का अंदाजा रहा होगा उनको कि वहां जीत की संभावना नहीं हो सकती। उसकी वजह है जब हुकम सिंह वहां से सांसद होते थे तब भी वो मुस्लिम वोटों की वजह से जीतते थे, और जब उन्होंने पलायन का मुद्दा उठाया तो उसके बाद एंड में उस मुद्दे पर उन्हें कहना पड़ा था कि ये पलायन धार्मिक आधार पर नहीं हुआ है, ये अपॉर्चुनिटी के लिए हुआ है। तो कुल मिलाकर वहां की कॉम्बिनेशन ये है कि 1.25 लाख मुस्लिम वोट हैं जो एकजुट समाजवादी पार्टी के साथ थे, और जब तक मृगांका सिंह को अपने पिता को मिलने वाली वोटें ना मिले तब तक वो जीत का मंत्र नहीं खुलता। गोरिंग आप भी इस इलाके में सहमत हैं इससे? जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इस चीज से, क्योंकि हुकुम सिंह वहां से 7 बार सांसद रहे हैं और 7 बार उन्हें मुस्लिम वोट भी मिला है, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ते थे, और वही फैक्टर है कि मुस्लिम वोट इस बार समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर गया है। लेकिन अगर बात की जाए मृगांका सिंह की, तो पहले ये कहा जा रहा था कि शायद उन्हें सहानुभूति का कुछ वोट मिल सकता है, वही वोट जो उन्हें मिलेगा वो सहानुभूति के कारण ही मिलेगा या फिर कुछ वोट जो बीजेपी का इंटैक्ट वोट है। लेकिन अगर बात करें कि मृगांका सिंह वहां से चुनाव जीत जाए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे
ज्यादा जो मुस्लिम वोट है वो समाजवादी पार्टी को कैराना में गया है। और कई एक परिवार से भी मेरी वहां पे एक बात हुई थी जब चुनाव कवर करने गए थे, तो उन्होंने भी ये कहा था कि हम हुकुम सिंह के वक्त पे उनको वोट दिया करते थे, लेकिन मृगांका सिंह एक तो क्योंकि बीजेपी से है और दूसरा क्योंकि सहानुभूति के कारण इतना वोट भी ट्रांसफर उनको नहीं हो रहा है जितना कि हुकुम सिंह के वक्त पे होता था। तो इसीलिए ये सीट बिल्कुल मुझे आंकलन इसका सही लग रहा है कि यहां से नाहिद हसन। देवेंद्र, क्या वजह है वहां पर कि लोकसभा का भी चुनाव हो, उपचुनाव तो मृगांका जी नहीं निकाल पा रही है, विधानसभा का भी नहीं निकाल पा रही है? सौरभ, निश्चित तौर पर जो कॉम्बिनेशन है वोटर्स का, कास्ट कॉम्बिनेशन, वो क्योंकि खिलाफ है। लेकिन कैराना सीट की बात करें तो जैसा कि आपने कहा कि अमित शाह इसलिए नहीं गए थे सिर्फ कि उन्हें यह पता था कि उनके जाने से कैराना की सीट पर कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। उन्हें यह बखूबी मालूम था कि कैराना की सीट एक सिंबल के तौर पर काम करेगी पूरे वेस्टर्न यूपी के लिए। और जिस पोलराइजेशन की बात करते हैं, जिस पलायन के मुद्दे की बात बीजेपी बार बार कहती है, उस पलायन का जो केंद्र बिंदु था क्योंकि कैराना था, तो वहां पर जाकर उस मुद्दे को हाईलाइट करना चाहते थे। और सौरभ, यही वजह थी कि आपने देखा होगा कि कैंपेन की शुरुआत ही उन्होंने वहीं से की थी। जब उन्होंने डोर टू डोर कार्यक्रम शुरू किया था तो कैराना जाकर ही शुरू किया था ताकि बाकी सीटों पर उसका असर पड़े। लेकिन इसमें कोई दोहरा नहीं कि वो सीट बीजेपी के लिहाज से, मृगांका सिंह के लिहाज से बहुत मुश्किल है। अच्छा, हमारे साथ बाहर से भी दो मेहमान हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, और संजय कुमार जी हमारे साथ हैं, चुनाव विश्लेषक हैं। लेकिन हम जिन चार सीटों की बात कर रहे हैं उसमें कैराना जो है, ये शायद आप में से किसी के लिए क्या ये सरप्राइज है, या आप लोग मानते हैं कि ये यही होना था, ऐसा लग रहा था शुरुआत से? सौरभ, ऐसा ही लग रहा था शुरुआत से ही, क्योंकि पिछली बार तो जीते ही है नाहिद हसन वहां से, और इस बार भी वैसा ही आंकलन लग रहा है। देवेंद्र, ये बीजेपी के लिए भी यही असेसमेंट था? बिल्कुल, हसन परिवार और हुकुम सिंह परिवार, इन्हीं दोनों परिवारों को वहां पे कब्जा रहा है अभी, क्योंकि हसन परिवार दिख रहा है कि किस प्रकार से मुस्लिम वोट उनके साथ इंटैक्ट रहा, जाट भी रहा, ठाकुर वोट उस हिसाब से नहीं पड़ते हैं एग्रेसिवली मृगांका के लिए। तो ये सारी चीजें निश्चित रूप से अगेंस्ट में गई है, बीजेपी के लिए कोई सरप्राइज नहीं है। अच्छा, मैं अगली सीट की बात करना चाहता हूं, थाना भवन सुरेश राणा, गन्ना मंत्री हैं, स्क्रीन पर भी नजर रखिएगा, टफ फाइट। जहां पर सपा प्लस जीतेगा वहां आपको लाल रंग दिखाई देगा, जहां पर बीजेपी जीतेगी वहां पर आपको गेरुआ रंग दिखाई देगा, और जहां पर फंसी हुई सीट है यानी कठिन लड़ाई की, वहां आपको एक ग्रे रंग दिखाई देगा। तो चार सीटों की बात हम अभी तक कर चुके हैं, कैराना, सपा प्लस, थाना भवन जो है वो हमारे हिसाब से कांटे की टक्कर की सीट है। क्या वजह है इसके पीछे शशि जी? गन्ना मंत्री को किसानों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है, यहां भी कास्ट कॉम्बिनेशन का असर है? पूरी तरह से डेमोग्राफी का असर है यहां पर भी, जो कि कैराना में, यहां पर जाट और मुस्लिम दो मतदाता तय करते हैं कि कौन जीतेगा। सुरेश राणा जी ठाकुर समुदाय से आते हैं, वो मतदाता वहां कम है, और जाट मतदाता पिछले चुनाव में मिला था इनको, लेकिन इस बार यहाँ राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ रही है, उनका मुस्लिम उम्मीदवार है। ये थोड़ी सी राहत हो सकती है कि मुस्लिम उम्मीदवार तो थोड़ा सा जाट मत ना मिले, लेकिन जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है कि इस सीट पर जाट मतदाता लगभग 60% से ज्यादा लोकदल के पक्ष में गए। अगर ये रिपोर्ट सही होती है तो सुरेश राणा जी को हार का सामना करना पड़ सकता है, अगर मेरी रिपोर्ट गलत होती है तो फिर वो चुनाव जीत जाएंगे, अगर उनके पक्ष में 60% जाट वोट गया होगा तो। अच्छा, हम वेस्टर्न यूपी का जो पूरा कास्ट कैलकुलस है और उसमें धर्म की भी बात है, उसको हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। मैं तीसरी सीट की बात करूंगा तब ज्यादा हम उस पर फोकस कर पाएंगे। सिवाल खास अगर तो सैनी, वैश्य, ठाकुर, मुस्लिम, जाट के अलावा ये चारों कास्ट ऐसे रहे जो कि कभी ना कभी उनके विधायक वहां पर रहे हैं, और इन चारों कास्ट के वोट वहां पर अच्छी खासी संख्या में है। बावजूद इसके अगर ये सीट इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नजर आ रही है, तो इस लिहाज से कि सुरेश राणा की अपनी जो अनपॉपुलैरिटी है वो भी उसमें ऐड ऑन कर रही है। नहीं, अच्छा, अब मैं जरा सिवाल खास की बात करना चाहता हूं। मनेंद्र पाल सिंह, गुलाम मोहम्मद की सीट है, और उसमें गुलाम मोहम्मद आरएलडी के टिकट पर जो है वो जीत रहे हैं, और आपको बता दें 2012 में जीते थे, 2017 में बीजेपी ये सीट इनसे ले पाई थी, और फिर 2022 में जीत सकते हैं हमारे सर्वे के मुताबिक। अब आप दो सीटों की बात देखिए जरा, थाना भवन जहां पर आरएलडी के टिकट पर मुस्लिम कैंडिडेट, सिवाल खास आरएलडी के टिकट पर मुस्लिम कैंडिडेट, दोनों पर आगे दिखाई दे रही है आरएलडी। तो जो लोग ये कह रहे थे कि आरएलडी के टिकट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का नुकसान होगा जयंत चौधरी को, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। सिवाल खास वो सीट है जहां उम्मीदवार का विरोध हुआ था, और सिवाल खास वो सीट है जहां आरएलडी का एक गढ़ सीट मानी जाती थी, वो सिवाल खास रहा है। यहां पर दिक्कत यह है, जैसा कि मेरी ऑफ रिकॉर्ड कुछ बीजेपी नेताओं से स्थानीय स्तर पर बात हो रही थी, उनको कहा कि हमें जाट वोट 100% चाहिए अगर हम मुस्लिम जाट कॉम्बिनेशन को तोड़कर जीत हासिल करना चाहते हैं, और अगर आरएलडी के वोटर समाजवादी पार्टी में मिलते हैं। यहां गुलाम मोहम्मद का विरोध हुआ था, लेकिन देखना होगा कि कितना विरोध उसका वोट में ट्रांसफर होता है, क्योंकि वो सबसे बड़ी बात है। वरना सिवाल खास में शुरुआत में विरोध यह था कि भाई ये समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट और मुस्लिम कैंडिडेट क्यों, टिकट भले ही आरएलडी का हो, तो उसमें देखना पड़ेगा। लेकिन हां, थाना भवन में मैं कह सकता हूं कि जब तक 100% जाट मतदाता बीजेपी को वोट ना करें,
थाना भवन मुश्किल है, उसके अलावा गन्ना मंत्री उन्हीं के इलाके की मिल का भुगतान नहीं हुआ था। अच्छा चले ठीक है, हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी स्वागत है पहले तो आपका। हम कुछ 30 बड़ी सीटों की आज चर्चा कर रहे हैं और शुरुआत हमने पश्चिम उत्तर प्रदेश की 4 सीटों से की, कैराना, थाना भवन, सिवालखास, सरधना, जहां पर 2 पर ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी साफ साफ जो है सपा गठबंधन जो है वो निकाल लेगा सीट, और 2 पर सीट फंसी हुई दिखाई दे रही है, और जो सीटें फंसी हुई हैं उन पर आपके 2 बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, गन्ना मंत्री सुरेश राणा और दूसरे संगीत सोम, क्या वजह लगती है? देखिए आपका अपना जो सर्वेक्षण है मैं उसकी वैज्ञानिकता को प्रणाम करता हूँ, वो आपका अपना अपनी तकनीक है और हर किसी की तकनीक का जो है वो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि कैराना से लेकर काशी तक भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से काम किया है, उस काम के बल पर, जैसे जनरली क्या होता है कि लोग इलेक्शन में जातियों को, मजहब को, इसका वोट इसके साथ चला जाएगा, इसका वोट इसके साथ चला जाएगा, एक समीकरण बनाते हैं और समीकरण के अनुकूल जो है वो एक फलादेश जारी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई इस समीकरण को नहीं देखता है किस तरह से जो है लाभार्थी महिलाएं, ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाएं, उनको आप मजहब विशेष के कोटे में डाल दें, लेकिन परिणाम ये होता है जब वो मतदान करने जाती हैं तो अपना ही देखते हैं कि उनकी सुरक्षा कहाँ है। नहीं मैं प्रेम शुक्ला जी आपसे सहमत हूँ, देखिए तो मुझे लगता ऐसा, ऐसा है कि जिन लोगों ने ज्यादातर सर्वे परंपरागत आपको आगे दिखा रहे हैं, परंपरागत जो समीकरण है वो धराशायी होंगे। और मैं मेरी बात सुनिए प्रेम शुक्ला जी, मैं कह रहा हूँ ज्यादातर सर्वे आपको आगे दिखा रहे हैं, हमारा सर्वे भी आपको आगे दिखा रहा है, उसके हिसाब से आपकी सरकार बननी चाहिए, लेकिन उसमें नुकसान जो है कुछ सीटों का वो आपको होगा, ये भी अधिकांश सर्वे का मानना है, तो उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर प्रचंड बहुमत मिलेगा, प्रचंड बहुमत मिलेगा, चले ठीक है तो फिर इसको इस नजरिए से देखेंगे क्या, और हमको प्रचंड बहुमत मिलने की हमारी चुनाव हो गया ना, वोटिंग हो गया है, अब तो ऐसी बात की है कि 10 तारीख को जिस तरह से हमारे पार्टी के लोगों ने परिश्रम किया है उस कारण प्रचंड बहुमत मिलना निश्चित है। नहीं प्रेम शुक्ला जी, सौरभ जी से अब ऐसी बात की चीत कीजिए कि 10 तारीख को फिर से जब आपकी बातचीत हो तो सौरभ जी आपकी बातों को फिर से याद ना दिलाए उस दिन आपने क्या कहा। इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं कि जिन 4 सीटों का जिक्र किए हैं, आपकी ऑडियो बीच बीच में ब्रेक हो रही देवेंद्र जी, ये जो 4 विधानसभा है इसमें एक कॉमन चीज है, एक ये आप हटा दीजिए कैराना तो यहाँ पर जाट मतदाता कम है, लेकिन थाना भवन, सिवालखा और सरधना में भी जाट कम है पर उत्तरा गुजर ज्यादा है। पिछली बार को ये कह रहा था कि देवबंद जैसी सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन देवबंद जैसी सीट पर भी 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना देवबंद क्या संकेत देता रहा। देवबंद सीट में सर बीजेपी जीती, मैं भी आऊंगा सर उस पर, देवबंद सीट में बीजेपी जीती थी, लेकिन अगर 5/17 का देखें तो आप देखेंगे कि मुस्लिम मतदाता 2 भागों में बट गए थे। इस बार क्या हुआ इन सीटों में कि मुस्लिम मतदाताओं का एक तरफा वोट, मान लीजिए आपको 10% मिलता भी तो भी, और जाट का मात्र 50% प्लस मुस्लिम के 80% इन 4 सीटों में बहुत ही अच्छा कंडीशन बना देता। अच्छा चलिए ठीक, कारण मुझे लगता है मैं अच्छा एक शॉट आप जवाब दीजिएगा शशि, ये जो 4 सीटें मान लीजिए हमने उठाएंगे, जैसे आप सैंपल उठाते हैं तो हमने पश्चिम की मान लीजिए 70-80 सीटों में से सैंपलिंग 4 उठाई है, तो इसमें क्या ये साबित होता है कि जो गठबंधन हुआ वो पश्चिम में काम कर गया? डेफिनेटली काम कर गया। अगर देखेंगे तो जाट जो मतदाता है वो लोकदल के ही वोटर रहे हैं, अगर आप पिछले चुनाव में भी देखें तो उनको 30-35% मतदाता जाट का मिलता था, इस बार जाट उनके तरफ है, तो अगर ये दोनों गठबंधन मिल रहा है और आप देखेंगे कि लोकदल ने टिकट बहुत दिमाग से बांटा, मुजफ्फरनगर में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट उनके नहीं थे, ठीक है बहुत कम लोग ध्यान देता है, ठीक है, और ये सर्वे में दिखा दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान हो रहा है, ओवरऑल भले ही बीजेपी कंफर्टेबल दिखती हो लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसको नुकसान हुआ है। टफ सीट लिए हैं आप, जो 4 सीट लिए हैं काफी टफ सीट है बीजेपी। हमारे साथ संजय जी भी जुड़े हुए हैं, सर स्वागत है आपका भी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों की बात हो रही है, कैराना में बीजेपी के हारने के आसार, थाना भवन में मंत्री के हारने के आसार, सिवालखास में भी ऐसा लगता है कि आरएलडी के टिकट पर मुस्लिम कैंडिडेट वो सीट निकाल लेंगे, संगीत सोम सरधना से वो मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कम से कम जयंत चौधरी अखिलेश यादव का कॉम्बिनेशन काम कर गया। बिल्कुल काम तो जरूर किया है, लेकिन सवाल यह है किस हद तक काम किया, क्या वो इस हद तक काम किया कि जो जीत हार का फासला पहले बीजेपी के लिए इन सीटों पर बहुत बड़ा था, तकरीबन अगर आप फर्स्ट फेज की बात करें तो 59 में से 53 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी 2017 के चुनाव में, और अगर जीत हार का फासला देखें तो कई सीटें ऐसी थी जिसमें 35-40 हजार का मार्जिन था, तो गठबंधन काम कर रहा है, लेकिन क्या इतना काम कर रहा है कि जीत हार का फासला सिर्फ कम कर पा रहा है या सीटें पलटने में कामयाब है? बहुत सारी सीटें पलटने में कामयाब नहीं हो रही है,
जितने एग्जिट पोल के अनुमान है उसके हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है। तो ये तो जरूर है जाट वोट टूट रहा है बीजेपी की तरफ से, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और जैन क्या पार्टी के गठबंधन की तरफ जा रहा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं जितना वो समझते थे, इतना बड़ा नहीं कि इन सारी सीटों पर बीजेपी को मुश्किल में डाल दे। कुछ सीटों पर बीजेपी जरूर मुश्किल में है, लेकिन कुल मिलाकर के पहले फेज में भी, या आप जिसको कहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, बीजेपी फिर भी कंफर्टेबल पोजीशन पर दिखाई पड़ा। नहीं सर, ओवरऑल जब हम देखते हैं फिगर पूरे एग्जिट पोल की तो उसमें तो दिखाई देता है, लेकिन हाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कुछ डैमेज हुआ है उसमें इस गठबंधन का हाथ है जरूर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और अभी तो हमने इनकार नहीं किया जा सकता, बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ तो डैमेज है, लेकिन आप, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं, डैमेज किस आधार पे हम कह रहे हैं? 2017 की तुलना में तो निश्चित रूप से डैमेज है, लेकिन क्या इस डैमेज के बावजूद बीजेपी सीटों में, इस इलाके में भी बीजेपी ज्यादा सीटें जीत रही है और अखिलेश और जयंत चौधरी का गठबंधन कम सीटें जीत रही है? तो डैमेज तो जरूर है बीजेपी को 2017 की तुलना में। होना स्वाभाविक है कि बीजेपी ज्यादा सीटें जीतेंगी, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में सिर्फ जाट और मुसलमान ही नहीं है, अदर ओबीसी भी कास्ट है, अच्छा कास्ट भी है, अदर जिला भी से गाजी। चलिए ठीक है, तो ये स्क्रीन पर आपके सामने 30 सीटें हैं और इन 30 सीटों को हमने चुना है बहुत सावधानी के साथ, ताकि इसमें हम बड़े नेताओं की बात भी कर सकें, हम डेमोग्राफी की बात भी कर सकें, जहां जहां पर जाति के आधार पर चुनाव होने की बात थी वो सीटें भी हैं, और जहां पर वो 80-20 वाली बात कही जा रही थी वो सीटें भी इसमें रहें। पहली चार सीटें आप देखिए, हरा यानी सपा प्लस जीत रहा है, ग्रे यानी टफ फाइट, यहां पर कड़ा मुकाबला है। तो पहली चार सीटों में आपको दिखाई देगा कि दो पर जो है वो सपा साफ निकाल सकती है सीट, और दो पर मामला फंसा है। अगली दो सीटें स्वार और रामपुर, तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं बेटे से, यानी आजम खान के बेटे से। स्वार सीट पर हैदर अली का मुकाबला अब्दुल्ला आजम से है, और यहां पर अब्दुल्ला आजम की सीट अपनी स्वार की सीट निकाल सकते हैं, आजम खान का प्रभाव उनको ये सीट जिताने के लिए काफी है। हैदर अली भी एक पॉलिटिकल पार्टी फैमिली से आते हैं, लेकिन वो इस बार ऐसा नहीं लग रहा कि टक्कर दे पाए अब्दुल्ला आजम को, तो ये सीट स्वार की सीट अब्दुल्ला आजम, आजम खान के बेटे जीत सकते हैं, ये हमारे एग्जिट पोल का नतीजा है। हालांकि वहां पर जब हमारे रिपोर्टर्स गए थे तो ऐसी भी लोगों की बात सुनने में आई थी, क्योंकि उनके मन में आजम खान के लिए बड़ी नाराजगी थी, उसके बावजूद स्वार की सीट आजम खान के बेटे जीत सकते हैं। अब जरा खुद आजम खान की सीट देख लेते हैं, रामपुर की सीट, रामपुर की सीट पर क्या आजम खान को कोई टक्कर है? हमें नहीं लगता ऐसा कि आकाश सक्सेना वकील हैं, इनके पिता मंत्री भी रहे, विधायक रहे, उनके उनकी लीनेज के बावजूद, और ये खुद जो हैं बड़े, इन्होंने मुकदमे लड़े हैं आजम खान के खिलाफ, ये उनको हरा पाएंगे? हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक ऐसा नहीं लगता है। आजम खान अपनी ये सीट जो है आसानी के साथ निकाल सकते हैं। मैं प्रेम शुक्ला जी के पास पहले जाना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी, पहली छह में से चार हरी हैं, अब ये हमने जानबूझ के नहीं किया है, ये तो जो दिखाई दिया एग्जिट पोल में वो आपको बता रहा हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटें थी, और अब आजम खान और उनके बेटे भी सीटें निकाल लेंगे ऐसा लग रहा है। सौरव जी, जब वो एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा तो हर एक जगह भगवा हो जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस तरह का जबरदस्त भगवा तूफान उत्तर प्रदेश में चल रहा है, अब कुछ देर के लिए मुझे लगता है समाजवादी पार्टी वालों को हरा हरा देख लेने दीजिए, अंततः तो भगवा लहरी चल रही है। नहीं, ऐसा और ऐसा नहीं है कि 30 के 30 हरी हैं, इतना तो मैं आपको बता ही सकता हूं, इसमें भी भगवा भी आने वाली होंगी जरूर, लेकिन आजम खान को नहीं डिगा पाया, जेल तो भेज दिया लेकिन चुनाव नहीं हरा पाएंगे ऐसा लग रहा है। देखिए, अब आजम खान जो है अपराधी को जेल में ही रहना चाहिए, अब कुछ कोई पार्टी जेल और बेल वालों से मिलकर ही बनी है, तो वो जेल में रहने, जनता जो है उनको जेल में रखकर कौन सी सेवा लेने वाली है? मुझे विश्वास है कि रामपुर की जनता जो है वो उसका विवेक जो है निश्चित तौर पर विवेकपूर्ण निर्णय लेगी, और श्रीमान आजम खां को, जो माँ भारती को हमेशा डायन कहने का कुकृत्य करते रहे हैं, उनको जो है सबक सिखाएगी रामपुर की जनता, ऐसा हमारा विश्वास है। आप देख रहे हैं यूपी की कुछ खास सीटों का एग्जिट पोल, कहां पर किस बड़े नेता के लिए इस बार मुश्किल लग रहा है माहौल, और कहां कौन आसानी से अपनी सीट निकालेगा। तो स्क्रीन पर आपको जो सीटें दिखाई दे रही हैं, इनमें से हम छह सीटों की बात कर चुके हैं। हमारे साथ द न्यू इंडियन के एग्जीक्यूटिव एडिटर रोहन दुआ भी अब जुड़ चुके हैं। रोहन, स्वागत है आपका। और अभी तक का मैं आप, क्योंकि आप थोड़ा सा देर में हमारे साथ जुड़े, तो हमने वेस्ट यूपी की और रोहेलखंड की कुछ सीटों की बात की है, और स्क्रीन पर आपको जो हरा दिखाई दे रहा है, सहमत हैं आप इससे इन सीटों पर? देखिए, करहल की और थाना भवन, और आपने जो ये बातें करी मैं देख ही रहा था अभी, कैराना में मैं खुद मौजूद था, और
वहां पे जब हम लोगों ने अपनी टीम भी भेजी तो मुझे जो नजर आया कि अभी भी 2014 के जो मुजफ्फरनगर के दंगे हैं और उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ सरकार ने उन दंगों के केसेस को वापस लिया, उससे एक बड़ा उत्साह था उन हिंदुओं में जिनके ऊपर ये रायट्स के केसेस लगे थे। और जब वो चाहे वो रिटेलर्स हों, शॉप ओनर्स हों, जितने भी लोग हों, उनके अंदर एक बड़ी मैं कहूँगा सहनशीलता थी उन सालों में जब वो केसेस लगाए गए और उनको जेल भेजा गया, और उसके बाद जब विड्रॉ हुए तो एक एक खुशी का माहौल था। और जब हमने उनसे जाके बात करी तो उन्होंने यही सबसे पहले बताया कि अगर ये सरकार रहती है तो हम यहाँ पे रहेंगे, और अगर ये सरकार जाती है तो हम वापस यहाँ से अच्छा चले जाएंगे। तो वो जो इंडिकेशन थे वो यही थे कि ये सारी सीटें हैं, चाहे थाना भवन हो कैराना के जिले में सुरेश राणा जी का। मैं इनफैक्ट खुद वहां पे 3 दिन बिता के आया, और आप मानेंगे नहीं, जब मैंने कुछ मुसलमानों से वो सवाल पूछे कि योगी आदित्यनाथ का बयान है 80 बनाम 20 ये चुनाव, तो मुझे उन मुसलमानों ने कहा कि हमें 1500 में से 1400 जो मकान है वो सिर्फ मुसलमानों परिवार को मिले हैं। और वो मैंने वीडियो शेयर भी करा अपने ट्विटर पे, और बड़े गर्व से उन्होंने कहा कि ये मकान देने वाले सुरेश राणा है। तो मुझे ये कहीं लगता नहीं कि वो सीट डिफिकल्ट है पर्सनली। तो वेस्ट में आपका मानना है कि इतना नुकसान नहीं होगा, कुछ बड़ी सीटों को छोड़ दें, लेकिन इन जनरल बहुत नुकसान नहीं होना चाहिए बीजेपी को? एक कारण उसका यह भी है कि राष्ट्रीय लोकदल के कुछ जो टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं वो समाजवादी पार्टी के कहने पे कुछ मुस्लिम कैंडिडेट्स को वहां पे उतारा गया, भले ही आरएलडी की टिकट पे उतारा गया। तो जाट पार्टी होने के बावजूद भी अगर आप कैंडिडेट्स वो नहीं ले रहे हो और एक मेजर अलायंस पार्टनर के कहने पे आप वो टिकट बांट रहे हो, तो उतना शायद मुझे लगता है कि जो एक इम्पैक्ट होना चाहिए था वो शायद ना हो। लेकिन साथ में ये भी मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि जाट्स सारे के सारे जो हैं वो आरएलडी में नहीं जाएंगे, इनफैक्ट 50-60% वहां भी जाएंगे, पर सारी सीटों में वो मुझे नजर नहीं आया था। चले ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मैं राजेश का कमेंट लेना चाहता हूं आजम खान की सीट के ऊपर। आप वहां गए थे, आपने आकाश से भी बात की जो उनके सामने लड़ रहे थे, आकाश सक्सेना, लेकिन आजम खान दिक्कत में दिखाई दिया आपको कभी? देखिए, आकाश सक्सेना बहुत मजबूती से चुनाव वहां लड़ रहे थे, लेकिन उनकी उम्मीदें जो टिकी हुई हैं जीत की वो नवेद मियां पर टिकी हुई हैं, जो कि नवाब खानदान से जुड़े हुए हैं और वहां से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा वोट लेते हुए उस सीट पर नजर नहीं आ रहे। यही वजह है कि आजम खान बड़े ही आराम से इस सीट पर जीतेंगे चुनाव। और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो हमने वहां देखी, वहां पर 10-15 हजार आपको सिख समुदाय के लोगों के भी वोट है, हमने कम से कम 50 सिख समुदाय के लोगों से वहां पे बात की, बड़े ही इंटरेस्टिंग तौर पर वो आजम खान के पक्ष में दिखाई दे रहे थे। तो मुस्लिम मतदाता तो वहां 80-85 हजार की संख्या में है ही, साथ में सिख मतदाता वो वहां पर आपको आजम खान के पक्ष में वोट देता हुआ या उनके पक्ष में बात करता हुआ दिख रहा था। तो आजम खान के लिए बहुत मुश्किल उस सीट पर तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। चलिए अच्छा, आगे बढ़ते हैं, कुछ और सीटें जल्दी, क्योंकि काफी सफर तय करना है हमें। तो नोएडा की सीट लेते हैं, नोएडा में लड़ाई है पंकज सिंह और सुनील चौधरी के बीच में, और यहां पर मुझे नहीं लगता कि किसी को भी हैरानी होगी कि पंकज सिंह ये सीट जो है आसानी से निकाल लेंगे। तो नोएडा की सीट जो है वो पंकज सिंह आसानी से निकालेंगे, ऐसा हमारा एग्जिट पोल कहता है। राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज सिंह, विधायक रहे हैं, और इस बार भी नोएडा की सीट से उनको लड़ाया गया, और नोएडा की सीट एक बार वो फिर आसानी से निकाल सकते हैं। सपा की तरफ से सुनील चौधरी यहां चुनाव लड़ रहे थे इस बार, लेकिन वो टक्कर नहीं दे पाएंगे, ऐसा हमारा इस एग्जिट पोल के जरिए अनुमान है। और अगली सीट भी देख लेते हैं, नोएडा के नजदीक की सीट है गाजियाबाद की सीट, अतुल गर्ग यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी से मंत्री भी हैं इस सरकार में, और उनके सामने विशाल वर्मा सपा के कैंडिडेट थे, और यह सीट भी बीजेपी निकालेगी आसानी से ऐसा हमें लगता है। अतुल गर्ग आपको बता दें कि 2017 में भी यही चुनकर के आए थे, और बसपा से इन्होंने यह सीट ली थी, और इस बार लगता है दोहरा सकते हैं अपनी जीत को। तो नोएडा गाजियाबाद में बीजेपी का जीतना, इस पर बहुत आश्चर्य की कोई संभावना मुझे लगता है नहीं है। और इसी के साथ आप देख रहे हैं कि हमारी इस टैली के अंदर हरे के साथ साथ अब गेरुवे की भी एंट्री हो गई है, तो नोएडा और गाजियाबाद इन दो सीटों पर बीजेपी चुनाव आसानी से निकालेगी, ऐसा हमारा मानना है। हमारे साथ संजय जी बने हुए हैं। संजय जी, वेस्ट में अगर गठबंधन काम कर रहा है तो जब आप नोएडा की तरफ आते हैं, एनसीआर की तरफ आते हैं, तो माहौल सीधा दिखाई दे रहा है बीजेपी का? बिल्कुल सौरभ, आप नोएडा गाजियाबाद की बात कर रहे हैं और कुछ और कंस्टिट्यूएंसीज की बात करेंगे तो एक डिफरेंस है, ये सारी अर्बन सीट्स हैं, और हमें पता है बीजेपी को का जो जनाधार अर्बन इलाकों में ग्रामीण इलाकों से बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी का जनाधार ग्रामीण इलाकों में नहीं है, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बनके उभरी है पिछले 10 साल में,
इसकी वजह यही है कि ग्रामीण इलाकों में भी उन्होंने अपनी पैठ बनाई है। लेकिन जिन सीटों का अभी हम जिक्र कर रहे हैं, और खासकर आपने नोएडा का जिक्र किया, गाजियाबाद का जिक्र किया, अगर साहिबाबाद का भी जिक्र करें, ऐसे तमाम सीटें हैं जो सब अर्बन इलाके हैं, और पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने इन सीटों पर बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी। तो कोई आश्चर्य नहीं है कि इन सीटों पर बीजेपी आगे दिख रही है। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बीजेपी इन सीटों को जीत सकती है दोबारा। अच्छा, मैं अगली तीन सीटों की बात करूंगा, फिर देखते हैं कि इसमें आश्चर्य निकल के आता है कि नहीं आता है। अतरौली, मथुरा, करहल, तीनों जगहों पर तीन बड़े नाम आपको मालूम है कि चुनाव लड़े हैं। करहल में तो खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार वो चुनाव लड़ रहे हैं। अतरौली से संदीप सिंह, कल्याण सिंह जी के पोते हैं, मंत्री भी हैं, यह चुनाव लड़ रहे थे सपा के वीरेश यादव के सामने, और ये संदीप सिंह सीट निकालेंगे ऐसा हमको लगता है। अतरौली में संदीप सिंह को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और आप ये व्रत से जब आगे बढ़ते हैं तो अब हम उस दिशा में आगे जा रहे हैं जिसको आप पूरा यादव परिवार का गढ़ भी आप कहते हैं, स्ट्रांग होल्ड है, यहां से शुरू होता है। लेकिन अतरौली में दिक्कत संदीप सिंह को नहीं होने जा रही है। अगली सीट जो है वो है मथुरा की। मथुरा से श्रीकांत शर्मा मंत्री वो चुनाव लड़ रहे हैं देवेंद्र अग्रवाल के सामने, और वो भी अपनी सीट निकाल सकते हैं। मथुरा में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए श्रीकांत शर्मा को, आसानी से वो अपनी सीट सेफली निकाल पाएंगे ऐसा हमारा एग्जिट पोल कह रहा है। तो अतरौली में संदीप सिंह बीजेपी से, मथुरा में श्रीकांत शर्मा बीजेपी के मंत्री सीट जीतेंगे। अब बार आती है करल की। करल पर एसपी सिंह बघेल बनाम अखिलेश यादव। एग्जिट पोल तो कह रहा है कि अखिलेश यादव आसानी से ये सीट जीतेंगे। हम अगर ये कहते कि यहां पर एसपी बघेल जो हैं वो टक्कर दे रहे हैं, या हो सकता है कि वो मजबूर करें थोड़ी और ताकत लगाने के लिए अखिलेश यादव को चुनाव में, तो शायद लोगों को हैरानी होती, लेकिन इस बार ऐसा लग नहीं रहा। लेकिन कुछ लोगों की राय में अभी इस कार्यक्रम के दरमियान आपको सुनाऊंगा, जो जहां उनको ऐसे लोग मिले कि वहां पर बीजेपी के लिए भी एक वोटर वर्ग अच्छी खासी तादाद में मौजूद था। तो खैर, अभी तक की जो सीटें हमने दिखाई हैं आपको वो टैली आप देख लें। कैराना सपा थाना भवन पर चुनौती है, सिवाल खास में सपा सीट निकाल सकती है, सरधना में भी संगीत सोम को चुनौती है, स्वार रामपुर में आजम खान उनके बेटे चुनाव जीत सकते हैं, नोएडा में पंकज सिंह, गाजियाबाद में भी बीजेपी के मंत्री वो चुनाव जीत सकते हैं, अतरौली में बीजेपी के मंत्री चुनाव जीत सकते हैं, और मथुरा में भी। लेकिन करल में आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने करल जाकर यह महसूस किया हो कि यह बिल्कुल वन साइडेड चुनाव नहीं है अखिलेश यादव के लिए? बिल्कुल, एसपी बघेल वहां पर गए, वन साइडेड चुनाव नहीं था। कई जगहों पर हमने देखा कि खुलकर लोग सामने आ रहे थे, क्योंकि बहुत जगह पर हमने ये भी देखा कि लोग बोलने में भी कतरा रहे, कैमरे पर बोलने में कतरा रहे थे कि हम बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन एसपी बघेल के वहां जाने के बाद बहुत लोग सामने आए और बहुत मजबूती से बघेल ने चुनाव लड़ा है, और वन साइडेड तो बिल्कुल नहीं है। अगर मैं शाक के वोटर्स की वहां पर बात करूं तो वो खुलकर सामने आ रहे थे और बता रहे थे कि जब समाजवादी पार्टी का राज था तब किस तरीके से उन्हें परेशान किया जाता था, कैसे उनके उनकी जमीनें जो है वो छीन ली जाती थी, गाय खोल लिए जाते थे, भैंस खोल लिए जाते थे, दिन दहाड़े में उन्हें परेशान किया जाता था। इस वजह से वो अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी से, इसके बावजूद भी वो उन्हें वहां से हराना चाहते हैं, और ये वहां के बड़ा वर्ग वोटर्स का जो है वो बोल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ सौरभ, मैं बता दूं कि यादवों का वोट जो है वो वहां बहुत ज्यादा है, 40% के करीब है। जी, 40% के करीब में है, और वो जब मुसलमानों के साथ जुड़ जाता है तब वो ऐसा फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बनता है कि जिसे हरा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एसपी बघेल के जाने से वहां फाइट जरूर है, और जब रिजल्ट्स आएंगे तो वो आपको दिखेगा। 50% वोट अखिलेश यादव को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बताइए। कोशिश तो अखिलेश यादव ने पूरी की है, लेकिन अगर उनके पिता वहां नहीं पहुंचते, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, डिंपल यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव सब वहां पर कैंप कर रहे थे, तो 50% वोट लाने की कवायद है, जुगाड़ है, कोशिश है उनकी कि 1,00,000 वोटों से जीतें। लेकिन रिजल्ट्स आएंगे तो आपको लगेगा देवेंद्र, बीजेपी में कहीं भी एक भावना है कि हम चुनौती दे रहे हैं इनको। सर, जब ये इस नाम का चयन किया गया था तो इस नाम के चयन से पहले जब अखिलेश यादव ने यह अनाउंसमेंट नहीं किया था कि वो करल से लड़ेंगे, बीजेपी ने एक दूसरे उम्मीदवार का नाम तय कर लिया था करल सीट के लिए। जैसे अखिलेश यादव ने उस वहाँ पर ऐलान किया, उसके बाद बीजेपी की पहली रणनीति ये थी कि अखिलेश यादव को चौंकाने वाला कैंडिडेट ढूंढा जाए। और आप अंदाजा लगाइए कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेजा जा रहा है, और कहीं से भी मुख्यमंत्री के फेस भी ना होंगे होना था, ना उनको बनाया गया, और उसके बावजूद अगर एक विधानसभा सीट लड़ाई जा रही थी तो उसके पीछे वजह यही थी कि अखिलेश यादव को चौंकाया जाए। हालांकि तब बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी तब ये कहा था कि मजबूती से वो चुनाव लड़ेंगे, वो ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे थे कि जीत भी सकते हैं।
मतलब साफ समझ में आ रहा था कि अखिलेश यादव को मतलब जीतने के इरादे से नहीं, लेकिन हाँ फंसाने के इरादे से जरूर कि इनको यहाँ वक्त देना पड़े, ऐसा नहीं है कि मतलब ये बिल्कुल फ्री होल्ड दे दें। ठीक है, हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं। प्रेम शुक्ला जी, क्या कहेंगे आप इस चुनाव में वाकई अखिलेश यादव को टक्कर देने का, वाकई उनको हराने के इरादे से उतरने के मन से गए थे बस, या फिर कोई उम्मीदवार तो उतारना ही था? देखिए, आप खुद ही बता रहे हैं कि किस तरह से शुरुआत में आपको ध्यान होगा अखिलेश सिंह यादव का कहना था कि सिर्फ नामांकन भर के चले जाना है, बाद पूरे यादव परिवार के कुनबे को, यहाँ तक कि पिता श्री श्रीमान मुलायम सिंह यादव को उतारना पड़ा, भाभी श्री डिंपल यादव को उतारना पड़ा, धर्मेंद्र यादव वहाँ कैम्प किए पड़े थे, वहाँ पर जिन चचा को गच्चा देकर निकल लिए थे अखिलेश यादव 5 वर्षों के लिए, उन चचा शिवपाल सिंह यादव को भी लाना पड़ा, तो पूरे कुनबे को सिर्फ अखिलेश सिंह यादव की सीट बचाने के लिए जिस तरह से उतारना पड़ा, वह इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह से आदरणीय एसपी सिंह बघेल वहां उतरे और एसपीएस बघेल ने वहां जिस तरह के टक्कर दी, उसके कारण अखिलेश सिंह यादव अपनी सीट को लेकर भी खतरे में आए, जो कल तक बड़े बड़े विकास के दर्प वाले वादे किया करते थे, दर्प दिखाते थे हमने उत्तर प्रदेश का विकास कर दिया है, उनको एक सुरक्षित सीट, वो भी पैतृक सीट ढूंढनी पड़ी और उस पैतृक सीट पर भी उनको संघर्ष करना पड़ा। यह इस बात का संकेत है कि समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में कहीं भी आश्वस्त अपने आप को नहीं। अच्छा ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, मैं ये रोहन बैठे हैं इनसे पूछ लेता हूं, ये भी पूरा यूपी घूम करके आए हैं। आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सेफ सीट को हमने संघर्ष की सीट बना दिया, क्या ऐसा हुआ है? बिल्कुल नहीं, देखिए मैं तो एसपी सिंह बघेल के साथ में भी घूमा और उसी दिन तेज प्रताप यादव लालू जी के जो सन इन लॉ है और अखिलेश यादव के भतीजे हैं उनके साथ भी मैंने उसी दिन सेम डे इंटरव्यू किया। और जब मैं बघेल साहब के साथ में घूम रहा था गाड़ी में बैठ के, तो उन्होंने मुझे एक बयान दिया जो मुझे भी बड़ा चौंकाने वाला लगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं लॉ मिनिस्ट्री को छोड़ के यहाँ पे लड़ने आया हूँ तो मैं यहाँ पे यूपी सरकार में मंत्री बनने आया हूँ, हमने उसी को हेडलाइन बना के चलाया। लेकिन उस बयान के पीछे उन्होंने ये भी कहा कि मैं जिस भी गाँव में जाता हूँ तो मैं 10 बार ये सुनाता हूँ कि 10 यादव एक बारी में कैंपेन करने आते हैं अखिलेश यादव के लिए, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, रामगोपाल यादव, अक्षय यादव, तो उन्होंने सारे नाम गिनवा दिए करहल में। अब जबकि मानना यह जाता कि करहल में मुलायम सिंह यादव ने अपनी रेसलिंग की भी शुरुआत करी और पढ़ाने की भी शुरुआत करी उसी स्कूल में, लेकिन जब मैं भी वहां पर गया और कैंपेन कवर करना उस इंटरव्यू के बाद में, तो गाँवों में एक जो इस बात को लेकर थी कि गैस को लेकर जब किल्लत हुआ करती थी या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में 2017 के बाद में मकान मिले, तो सबने हमें ये गिनवाया कि ये तो तब आके मिला जब यहाँ पे योगी सरकार आई। अच्छा, तो उससे कहीं ना कहीं अनुमान ये लगा कि मुलायम सिंह यादव के पढ़ाने से या उसके कनेक्शन से सिर्फ वो चुनाव जीतना मुश्किल नहीं, ईजी नहीं है अखिलेश यादव के लिए। तो जो प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, एक बात मैं उससे जरूर सहमत हूं कि लास्ट के कुछ 3-4 दिनों में मुलायम सिंह यादव को भी आना पड़ा, इनफैक्ट शिवपाल यादव अपनी कंस्टिट्यूंसी को छोड़ के वो वहां पे आए, तो जब आप अपने क्षेत्र को छोड़ के आ रहे हैं तो शायद डिफिकल्ट भी हो गया। और कहीं पे मुझे ये भी याद है कि किसी ने बोला कि मुलायम सिंह यादव के कान में उनको बताना पड़ा कि शिवपाल यादव या और कोई नहीं लड़ रही है, उनका बेटा खुद चुनाव लड़ रहा है। तो जिस तरीके का वो कनेक्ट था पहले यादव परिवार का उस गढ़ में, शायद वो नहीं था, लेकिन वो एक समय भी ऐसा था जब अमर सिंह हुआ करते थे और बॉलीवुड साइफाई में आया करता था और साइफाई वहां से ज्यादा दूर नहीं है, 40 किलोमीटर। बस बड़ा शॉर्ट में इतना बता दीजिए कि सबके बावजूद आप मानने को तैयार हैं कि अखिलेश यादव करल हार सकते हैं? ये तो नहीं कहूंगा कि हार निश्चित है, मगर ये जरूर कहूंगा कि हार जीत को इतनी आसान नहीं है, जीत को लेकर आश्वस्त ना रहे। इंपॉर्टेंट डाटा रखना चाहूंगा करहल के बारे में, करहल, गुनौर और जसवंत नगर, ये 3 यूपी की ऐसी सीट है कि यहाँ पर आप तभी हरा सकते हैं सपा को जब आप यादव वोटों को ले पाए। आप देखिए अभी गुनौर में 130,000 यादव मतदाता हैं पर बीजेपी के भी वहां एमएलए हैं, और आप जसवंत नगर में देखिए आप बीजेपी बार बार नन यादव कैंडिडेट देती है, यहां बीजेपी से मुझे लगता है कि करहल में क्या गलती हुई, जो वोट आपको मिल रहे एसपी बघेल को, आप कोई भी कैंडिडेट लड़ाते हो वोट मिलता है क्योंकि बीजेपी का एक वहां वोट है नन यादव ओबीसी का। बीजेपी से मेजर गलती हुई, बीजेपी का अगर यादव कैंडिडेट यहां लड़ता और वो 5-7% वोट यादव स्विंग कराता तो बीजेपी के लिए ज्यादा आसान होती इन बनिस्पत की बीएसपी बघेल, ये मेरा मानना है। नहीं, लेकिन उसके पीछे एक लॉजिक ये था कि दलित वर्सेस यादव में इस लड़ाई को कन्वर्ट किया जाए ताकि सिर्फ उस सीट पे नहीं बल्कि उसका असर और ये सीट बीजेपी 2002 में। अच्छा एक मिनट, मनीष भट्टाचार्य भी उस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष
डॉक्टर अब देखिए करहल की बात हो रही है, मैं करहल गया था और बड़ा संक्षेप में मैं एक शब्द बताना चाहता हूं कि जब मैं वहां लोगों से बातचीत कर रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई करहल सीट पर एक तरफ पुत्र और दूसरी तरफ शिष्य, यानी दोनों के बीच में लड़ाई है। भावनाओं को समझिए, ये सबको पता है कि भाई अखिलेश यादव मुलायम सिंह के पुत्र हैं और SPS बघेल मुलायम सिंह यादव के PSO थे और लंबे समय तक के मुलायम सिंह यादव के साथ रहे भी हैं, वो पूरा जातिगत आंकड़ा वहां का समझते हैं। और जिस वक्त उन्होंने रैलियां की हैं और तमाम संवाददाताओं से बातचीत की, हमने भी बातचीत की, उन्होंने अखिलेश यादव पर डायरेक्ट हमला तो किया है लेकिन कभी भी नेताजी के बारे में कुछ उन्होंने नहीं कहा। तो कुल मिलाकर एक ये स्ट्रेटेजी जरूर बीजेपी की मानी जा सकती है कि वो आदमी जिसने राजनीति की शुरुआत नेताजी के साथ रहकर की है, वो और नेताजी का PSO था और नेताजी का शिष्य के तौर पर माना जाता था, तो वो शायद करहल सीट को बहुत अच्छे तरीके से समझता होगा, वहां के जातिगत आंकड़ों को समझता होगा। यही वजह है कि अखिलेश यादव उस चीज को भापते भी थे और आपने देखा होगा जिस वक्त रोड शो था तो नेताजी अखिलेश यादव के साथ वहां पर गए थे और हर कोई व्यक्ति यही कह भी रहा है कि पुत्र और शिष्य के बीच की लड़ाई है, दलित यादव वाकई में जातिगत समीकरण वहां पर बैठ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पिन पॉइंट जरूर माना जा रहा था सौरभ। ठीक है मनीष, देखिए आप सबसे बात करके मेरा टेक अवे ये है इसमें कि अगर आपके बीच में ऐसे लोग हैं जो इनको लगता है कि अखिलेश यादव इस सीट को पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं मान सकते, तो यही बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है कि करहल में उन्होंने टक्कर दी है अखिलेश यादव को, और कितनी दे पाए ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सीटें लेते हैं। शाहजहांपुर, सुरेश खन्ना फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यहां से लगातार 8 बार जीत चुके हैं, इस बार जीते तो 9वीं जीत होगी इनकी, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और इस बार लग रहा है अपना ये 9वीं जीत का रिकॉर्ड बनाएंगे, ये सीट ये निकाल सकते हैं। सुरेश खन्ना शाहजहांपुर की सीट, तनवीर खान इनके सामने सपा के, वो इनको चुनौती नहीं दे पा रहे हैं और लगातार आपको बता दूं ये इसी सीट से ही जीतते आए हैं, जितने चुनाव जीते हैं ये शाहजहांपुर से ही जीते हैं और 9 बार लगातार जीत, रिकॉर्ड जीत होगी अगर इस बार ये सही होता है तो। अगली सीट पर बढ़ते हैं अब, लखनऊ ईस्ट, लखनऊ पूर्व की सीट स्क्रीन पर, आशुतोष टंडन बनाम अनुराग भदौरिया। आशुतोष टंडन भी मंत्री हैं, लालजी टंडन के बेटे हैं, 2012 में भी यहीं से जीते थे और 2012 में जीते थे यहां से ये, और लखनऊ पूर्व की सीट पर अनुराग भदौरिया ये सपा के प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं, उनकी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, इस बार चुनाव में इनको उतारा गया लखनऊ से, इनको उम्मीद थी कि अच्छा चुनाव लड़ा होगा इन्होंने, लेकिन निकाल नहीं पाएंगे सीट ऐसा हमारा एग्जिट पोल कहता है। आशुतोष टंडन जीत सकते हैं। अगली सीट पर चलते हैं, ये भी लखनऊ की सीट है, लखनऊ कैंट, बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है, यहां से ब्रजेश पाठक जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं कानून मंत्री, उनके सामने सुरेंद्र गांधी हैं सपा के, लेकिन ब्रजेश पाठक अपनी सीट निकाल लेंगे ऐसा हमारे एग्जिट पोल का अनुमान है। इनकी सीट हालांकि बदली गई है, ये लखनऊ सेंट्रल से पिछली बार लड़कर के जीते थे, इस बार ये लखनऊ कैंट आए हैं, लेकिन इससे इनको फायदा ही हुआ है, ये सीट जो है इस बार ये निकाल सकते हैं। तो हमने आपको शाहजहांपुर, लखनऊ पूर्व और लखनऊ कैंट का हाल बताया। अगली सीट भी देख लेते हैं, रायबरेली की सीट, रायबरेली की सीट पर अदिति सिंह चुनाव लड़ी राम प्रताप यादव के सामने और अपनी सीट निकाल लेंगी इस बार ऐसा हमारा अनुमान है। तो एक बार फिर आप देख रहे हैं ये गांधी परिवार के गढ़ में एक बार फिर अदिति सिंह जो है, हालांकि पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर ही जीती थी, तो इस बार वो सीट छीन ले रही है उनसे और बीजेपी को जुता रही है सीट। तो टैली में आप देखिए इसमें अब भी हरे और गेरुओं के बीच में टक्कर आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे गेरुआ रंग जो है स्क्रीन पर हावी होता जा रहा है, मतलब साफ है कि ये जो प्रोमिनेंट सीट्स हैं इनमें बीजेपी के जीतने वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो भी काफी हैं। अब आगे जाकर के हम कन्नौज, जसवंत नगर, महाराजपुर, सिराथू इनकी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल पहले लखनऊ की चर्चा में करना चाहता हूं। लखनऊ की हमने 2 सीट का जिक्र किया है, लखनऊ पूर्व और लखनऊ सेंट्रल, दोनों बीजेपी को हमें उम्मीद है, हमें हमारे अनुमान है कि ये सीटें बीजेपी जीतेगी, इसमें कोई भी आश्चर्य देवेंद्र, देवेंद्र से पूछूंगा आपको तो नहीं होगा, आपका ही सर्वे है। निश्चित तौर पर दोनों ही सीटों पर कोई आश्चर्य नहीं है और उसमें एक कैंडिडेट मैंने नहीं लगता है बीजेपी के लिए इतनी मुफीद सीट है और इसी का नतीजा था कि आपने देखा कि ब्रजेश पाठक ने अच्छी खासी मशक्कत करके कैंट वाली सीट हासिल की है, तो इसमें बीजेपी के लिए बहुत सेफ सीट थी और आसानी से बीजेपी जीतेगी वहां पर। जी ठीक, लखनऊ हमारे और कोई साथी गए हो तो जरूर बताएं इसके बारे में कि लखनऊ में दबदबा बीजेपी का जो लगातार रहा है, क्या इस बार उसे डेंट लगने के कहीं कोई आसार दिखाई देते हैं? रोहन ये देखिए, ब्रजेश पाठक की सीट भले ही बदली हो और ये भी हो कि रीटा बहुगुणा जोशी उसी सीट से अपने बेटे को लड़ाना चाह रही थी और एक दिन पहले चुनाव के या 2 दिन पहले मुझे याद है उनके बेटे की तस्वीर वायरल हुई, वो अखिलेश यादव से मिलने गए, लेकिन ब्रजेश पाठक का जो ग्रिप है मैं कहूँगा लखनऊ में वो अपने दम पे इसलिए क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण समाज को जो प्रोटेक्शन दी है, इवन कि जब लखीमपुर खेरी का एक इंसिडेंट हुआ और ये वो सीट है जहाँ पे ब्राह्मण तबका बहुत ज़्यादा मौजूद है, मुझे याद है जब लखीमपुर खेरी का पूरा इंसिडेंट हुआ तो ब्रजेश पाठक अपने
यूपी सरकार के कैबिनेट के अकेले मंत्री थे जो अजय मिश्र टेनी के ड्राइवर की मौत पे वहाँ पे मिलने गए, भले ही 15-20 दिन बाद, और कोई कैबिनेट मंत्री भी नहीं गया। तो उन्होंने अपना होमवर्क पूरा करके रखा हुआ है कि ब्राह्मण जो पूरी सोसाइटी है वो लखनऊ की पूरी उनके साथ में खड़ी है, और ये वो एक ऐसी सीट है जहाँ पर ब्राह्मण काफ़ी मौजूद हैं। भले ही रीटा बुगुना जोशी ने अपने बेटे के लिए लड़ाई लड़ी हो टिकट लेने के लिए, पर एंड में जाके मुझे लगता है कि ब्रजेश पाठक ने ये भी बता दिया कि जिस तरीके से उनको बसपा से ला के उस समय अमित शाह जी ने भाजपा से टिकट दी और मंत्री बनाया, और फिर लास्ट ईयर ही चुनाव से 6 महीने पहले नेशनल एग्जीक्यूटिव जैसी बॉडी में उनको जगह दी, एक असर्शन थी कि देखिए अगर हम जितिन प्रसाद को ला रहे हैं तो हम बसपा से लाए हुए ब्राह्मण नेता को भी काफ़ी प्रोमिनेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो वो मैसेज तो था लखनऊ में, वो ऑलरेडी जा चुका, और ओवरऑल लखनऊ तो क्योंकि राजनाथ सिंह उसको नेतृत्व करते हुए आए हैं तो वो कभी भी सीट, और इसीलिए बस मैं अगला प्रश्न शशि से ये करना चाहता हूं कि हमने दो सीट दिखाई हैं लेकिन लखनऊ की बाकी सीटों पर भी यही ट्रेंड दिखाई देगा। देखिए लखनऊ की आपने जो दोनों सीट हम लोगों ने दिखाया है ये बीजेपी की वन ऑफ द सेफेस्ट सीट है, खासकर लखनऊ पूर्व की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां कोई भी लड़ेगा तो जीतेगा, लखनऊ कैंट भी वही है। जैसा कि सर बता रहे थे विन सर कि ये ब्रजेश पाठक जी लखनऊ सेंट्रल की सीट छोड़कर लखनऊ कैंट आए हैं, सेंट्रल पिछले बार वो बहुत कम अंतर से जीते थे, वहां रविदास मेहोत्रा सपा के नेता हैं, वो इस बार लड़ते अगर वहां तो उनके खिलाफ एंटी इनकमेंसी थी और कड़ी टक्कर होती, तो वो वहां पर अपने थोड़ा सा डर के, मैं तो कहूंगा कि डर के यहां पर सीट पर आए लखनऊ कैंट में, और ये बीजेपी का गढ़ है, लेकिन जब कोई अब सीट किसी को बदलनी पड़े तो डर ही होता है। हाँ, लेकिन जब डर का आलम ये था कि सिर्फ कैंट की सीट वो नहीं चाह रहे थे बल्कि 2-3 ऑप्शन उन्होंने दे रखा था, उनमें से एक सीट उन्नाव की भी थी कि उन्हें कहीं भी जाना है लेकिन लखनऊ सेंट्रल नहीं लड़ना, क्योंकि सेंट्रल में थोड़ा सा बीजेपी के लिए टफ रहता है, डेमोग्राफी ऐसी है, लेकिन लखनऊ की जब देहात एरिया में जाएंगे बक्सी का तालाब, सोविन नगर, मलिहाबाद, मोहनलालगंज, ये 4-5 सीट है जहां सपा अच्छा चुनाव लड़ेगी, बाकी शहर में उनके लिए कोई स्कोप नहीं, एक सेंट्रल छोड़कर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट अभी हो रही है, हम बताएंगे आपको जब वहां पर आप दिखा पाएंगे आपको। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर लखनऊ में इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बताऊंगा तो आपको हैरानी होगी, वो ईवीएम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं उनको। अगर आपको ईवीएम को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी होना चाहिए, और सोचिए मुख्यमंत्री आवास से प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जगह जगह फोन कर रहे हो और डीएम्स को बता रहे हो, ये घबरा गए उसी दिन जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है, और आप में से वो लोग हैं जो जमीन पर घूमे हैं, जो जमीन पर चुनाव चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, जनता के अंदर नाराजगी थी। ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हां भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर वो भी ना पता लगे कि हां चोरी हुई है। इसीलिए अगर हमने वोट दिया है, अगर हमने वोट दिया है तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा, और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है, इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी तभी बदलाव आएगा। इसलिए मैं अपने पार्टी के लोगों से और जो सच्चे ईमानदार, सच्चे सिपाही हों, सच्चे अधिकारी हों, सच्चे पत्रकार हों, कम से कम आगे आए और लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा हों। और मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जब तक काउंटिंग ना हो जाए तब तक कम से कम ये नजर रखें और लगातार निगरानी रखें कि कैसे वोट बचाया जा सकता है, कैसे जहां पर मशीनें रखी हैं कोई किसी का आना जाना ना हो। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। जो दल हार गया अब उसके बस में यही है जो अब करने जा रहे हैं। ये जितने कुछ एग्जिट पोल हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि अगर वो चोरी भी करें तो शायद नजर ना आए। अब ईवीएम्स पकड़ी गई हैं, बहाना कोई ना कोई अधिकारी बताएंगे कि हम ईवीएम्स इसलिए ले जा रहे थे। आखिरकार फोर्स के साथ क्यों नहीं ईवीएम्स जा रही थी? ये तो ईवीएम की एक बनारस की जो अभी भी लाइव चल रहा है वो घटना है। बरेली में एक स्ट्रांग रूम से बाहर नगर पालिका की कचड़े की गाड़ी में
जिसका नंबर UP25DT9166 में 3 बक्से सील पकड़े गए, जो सील बक्से थे। एक बक्से में सादा बैलेट पेपर था तथा 2 बक्से में मोहरें, रजिस्टर तथा सील करने वाला सामान था। करीबन 500 बैलेट पेपर पकड़े गए। इसी तरह सोनभद्र का है कि सोनभद्र में भी बड़े पैमाने पर चीजें पकड़ी गई, वो भी लोग समझ में आ गया तो उन्होंने देखा, SDM को रोका। SDM घोरावल जनपद सोनभद्र में खाली मत पर अपनी गाड़ी से पॉलिटेक्निक कॉलेज ले जाते हुए पकड़े गए। क्या सफाई देगी सरकार? इसीलिए मैंने कहा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आप जानकारी कर लें, अगर आपके DMs कोई जानकार हैं, उन्होंने खुद बताया है कि वहां से लखनऊ से फोन आ रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो वहां पर काउंटिंग स्लो हो और रात तक काउंटिंग लेकर के जाइए। कमेंट लेंगे बस। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनका कहना, उनके 2 विषय हैं। एक तो ये कहना चाहते हैं कि ईवीएम की चोरी की कोशिश, यानी वोटों की चोरी की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। वो हवाला दे रहे हैं कि कुछ जगह पर आम लोगों ने ईवीएम चलते हुए पकड़ लिए हैं, इसका मतलब ये जो है कि ये भाजपा को फायदा, सपा को नुकसान पहुंचाने के लिए हो रहा था। और दूसरी दिक्कत उनको एग्जिट पोल से है, वो दोनों घटनाओं को जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले तो वोटों की चोरी होगी, दिखाया जाएगा एग्जिट पोल में कि बीजेपी चुनाव जीत रही है, ताकि वोटों वो ईवीएम की और वोटों की चोरी को सच को किसी तरीके से उस आपको जो है एग्जिट पोल के जरिए सही बता दिया जाए। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें दिखाई देता है कि एक खुली वैन में ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं। ये वो वीडियो है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब से थोड़ी देर पहले जो है अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। और इसमें कुछ लोग एक पिकअप वैन में जो ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं वो दिखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम आपको इनकी खुद की सीट का हाल भी बताएंगे, क्योंकि आज हम आपको सीटों का एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव को एग्जिट पोल से प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश है। ये बात अखिलेश यादव भी कह रहे हैं और अखिलेश यादव के बगल में बैठे ओम प्रकाश राजभर भी कह रहे हैं। तो अब आप देखिए पूरे समाजवादी पार्टी कैंप से उनके और उनके सहयोगियों की तरफ से ईवीएम की बात कही जानी शुरू हो चुकी है। इससे ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन बीजेपी जरूर जो है इस बात को उठाएगी कि ईवीएम का राग वही अलापता है तो चुनाव हार रहा होता है और एक बहाना अभी से खोजने की कोशिश है, ऐसा लग रहा है। इस पर मैं रोहन आपका रिएक्शन चाहता हूं। देखें बीजेपी तो यह इस पर रिएक्शन बीजेपी का आएगा तो यही आएगा कि स्वाभाविक है कि हारने वाले अखिलेश यादव अब ईवीएम का रोना रोएंगे। लेकिन जो तस्वीर स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिखाई, कई बार लोग कहते हैं कि भाई रिजर्व जो होती हैं ईवीएम मशीनें वो जा रही होती हैं, आम लोगों को लगता है कि ये तो वोटों वाली ईवीएम है। नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए ये तो 2014-17-19 के हर चुनाव में, 14 के बाद खासकर हर चुनाव में ये मुद्दा बार बार आता है सामने। और लक्षण जो होते हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस को, हार को छुपाने के लिए वो बोला जाता है, बीजेपी ये कहती है। बट मुझे ओवरऑल कहीं पे कोई मजबूत एविडेंस तो अभी तक कोई नज़र नहीं आया पिछले 17 के चुनाव में या 19 के चुनाव में, यूपी का अगर कहूँ या लोकसभा का कहूँ और 18 के राजस्थान में, स्टेट्स तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी हारी है, छत्तीसगढ़ में भी, झारखंड में भी और मध्य प्रदेश में भी, हालांकि सरकार बाद में बनी। पर ईवीएम को लेके टैम्परिंग एविडेंस हो, मुझे कहीं पे भी कोई एविडेंस नहीं, कोई प्रमाण उसका अभी तक साबित नहीं हो पाया। ये ज़रूर है कि ईवीएम बाद में जो रिजर्व होते हैं, जो वीडियोस हमने देखे, वो रिजर्व ईवीएम्स तो हर जगह जाते ही जाते हैं और स्ट्रॉन्ग रूम की तो ये क्राइटेरिया ही रहा है कि जो रिजर्व ईवीएम्स होते हैं उसकी मूवमेंट चुनाव के पूरे होने के बाद में ही उनको ट्रांसफर किया जाता है स्ट्रांग रूम से लेके जहां पे उनको रखा जाता है। नहीं, इल्जाम ये है, अब ये ईवीएम मशीनें कौन सी थी जो स्वामी प्रसाद मौर्य दिखा रहे हैं तो नहीं कहा जा सकता। इल्जाम ये होता है कि उनको जहां लगता है कि भाई इस बूथ पर वोट हमारे खिलाफ पड़े हैं, यहां हमारे विरोधी को ज्यादा वोट पड़े हैं, तो वहां की मशीनें गायब कर दो। मशीनों में वोट बदलना नहीं है, मशीनें गायब करनी है, ये इल्जाम है। नहीं वही, लेकिन जो ये एविडेंस है कि स्ट्रॉन्ग रूम जो है वो तो शुरू से, जिस दिन इलेक्शन वहां पे हो जाता है उसके बाद तो वहां पे लॉक लग जाता है। और अपोजिशन पार्टीज तो जिस तरीके के आज दोपहर को भी एविडेंसेस आए हैं, बाइनोक्यूलर लेके ट्रैक्टर पे खड़ा करके, जीप्स पे खड़ा करके कैमरा लगा दिए गए हैं, तो स्ट्रॉन्ग रूम जब एक बार लॉक हो जाए उसके बाद तो वहां से ट्रांसफर होना बहुत मुश्किल है।
और कोई भी चीज़ को, चाहे वो ईवीएम हो या कोई भी मशीनरी हो उसको उसको लेके, और आफ्टरऑल ईवीएम अगर वहां से निकल रही है, मूवमेंट हो रही है, तो ऑफिसर्स हैं, पुलिस है, तो वो बताने के लिए। उसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी भी बूथ का ईवीएम अगर जा रहा है तो वहां जब काउंटिंग रुकी जाती है तो हर पार्टी के वहां पोलिंग एजेंट रहते हैं और स्टैंडिंग ऑफिसर के सामने उसमें मोहर लगाई जाती है, तो अगर ईवीएम गायब हो गई तो ईवीएम की तो काउंटिंग होगी उस दिन। पोलिंग बूथ से ईवीएम निकलती है तो पार्टी वाले साथ साथ चलते हैं, स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा देते हैं, उनके सामने मोहर लगती है कितनी पोलिंग हुई, 1200 में 1132 वोट पोल हुआ। अब जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन उस बूथ से 1200 में 1132 पोलिंग एजेंट के साइन भी होते हैं, साइन नहीं है तो फिर स्ट्रांग रूम में पहुंचने के बाद गायब करना, स्ट्रांग रूम में पहुंचने तक और स्ट्रांग रूम से निकलने के बाद काउंटिंग सेंटर तक आने तक ये पब्लिक गेज में होती है, सारी पार्टियां इस पर नजर रखती हैं। ऐसे में ये कहना कि ईवीएम जो है वो गायब कर दिया जाए, उसमें गड़बड़ कर दी जाए, जब पोलिंग एजेंट ईवीएम जब चला गया तो फिर वो जो इलेक्शन कमीशन, चलिए ठीक है, अभी इल्जाम लगाने वाले जितने किरदार अभी इस वक्त हमने आपको सुनाए हैं, आज इंटरेस्टिंगली इन सबका एग्जिट पोल हमारे पास है, अब पसंद ना आए किसी को अलग बात है, मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे कि ये शिवपुर की सीट है, यहां शिवपुर से अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, खुद ऊपर जहूराबाद से पिता ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, और इनके बारे में हम आपको बताएंगे, और साथ ही आपको बताएंगे फाजिल नगर की सीट के बारे में भी, जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी ट्रेडिशनल सीट बदलकर छोड़कर, ऐसा क्यों करना पड़ा, क्या उसका फायदा या नुकसान उनको हुआ, ये उनका दिख जाएगा कि इनको ईवीएम की बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, दो एक सीटें और ले लेते हैं, फिर आगे चर्चा करें, कन्नौज की बात करते हैं। कन्नौज संसदीय के हिसाब से देखें तो सपा के लिए बड़ी मुफीद सीट मानी जाती रही थी पहले तक, जब तक उनसे छीन नहीं ली गई। इस बार बीजेपी ने असीम अरुण, कानपुर शहर के पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, उनसे उनको वीआरएस दिला करके उनको पार्टी ज्वाइन करा के चुनाव लड़ाया है, और अनिल कुमार सपा के सामने इनके साथ हैं, कांटे की टक्कर लेकिन ये दिखाई दे रही है इनके साथ, तो ये बड़ा गलत हो जाएगा, बड़ा गलत कर रहे हैं, एक तो वीआरएस दिलाया और पहला चुनाव लड़ाया वो भी हराया, अगर कांटे की टक्कर में आपने देखिए, ये बीजेपी के लिए इतनी आसान सीट नहीं है। पिछले बार जब बीजेपी की प्रचंड लहर थी तो भी बीजेपी ये सीट हार गई थी, और यहाँ पर जो ये ट्रेडिशनली मुश्किल सीट है और यहाँ के जो सपा के एमएलए लोकल एमएलए हैं, ठीक है, वो भी गांव में रहते हैं, और सीम अरुण जी जब यहाँ आए, ठीक है, कमिश्नर रहे थे कानपुर के, लेकिन इस विधानसभा में अगर देखा जाए तो जितनी इस विधानसभा को नहीं समझते उसे अनिल कुमार समझते हैं। चलिए अच्छा ठीक आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी समय कम रह गया, सीटें ज्यादा है, तो असीम अरुण की सीट थोड़ी मुश्किल में दिखाई दे रही है, हमारे विश्लेषक बता रहे हैं कि ये हमेशा से बीजेपी के लिए मुश्किल सीट रही है। जसवंत नगर की सीट, यानी चाचा शिवपाल यादव की सीट, विवेक शाह के उनके सामने थे, लेकिन कोई दिक्कत ऐसी उनको पेश आएगी ऐसा नहीं लगता, शिवपाल यादव जो है अपनी सीट निकाल लेंगे। इस पर एक हमारे कोई साथी रिपोर्टर वहां गए थे, उनका मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा था कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में शिवपाल यादव पर लोग इस कदर भरोसा करते हैं कि अगर पूरा परिवार भाजपा को वोट करता हो या मोदी जी को वोट करता हो लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, वो परिवार इनको वोट करेगा, और उसकी वजह इनका लोकल कनेक्ट, लोगों ने बताया कि लोगों के बीच बड़े पॉपुलर हैं, लोगों के काम बड़े आसानी से कराते हैं। तो ये जो है जसवंत नगर में शिवपाल यादव की ताकत है, और उसके हिसाब से ही शायद ये नतीजा आपको दिखाई दे रहा है। तो एक बार टैली आप देख लीजिए, अब कुछ सीटें बाकी हैं, लेकिन इस एग्जिट पोल में जो हमने बड़ी सीटों का जिक्र आपके सामने किया है उसमें अभी कोई बड़ा पेड़ गिरता हुआ जो है दिखाई नहीं दिया। एक दो मंत्री जो है, हो सकता है एक मंत्री कुछ मुश्किल में जरूर दिखाई दे रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, यूपी में अब की बार किसकी सरकार, एग्जिट पोल ज्यादातर कह रहे हैं कि आएंगे तो योगी ही, लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि चुनाव की चोरी हो रही है, चुनाव की चोरी मतलब वोटों की चोरी सरकार करा रही है। हमारे साथ इस वक्त स्पेस बघेल साहब जुड़ गए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और करहल में अखिलेश यादव के सामने इन्होंने बड़ा अच्छा चुनाव भी लड़ा है। बघेल साहब आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। पहले तो मैं आपसे अखिलेश यादव जी की बात पर रिएक्शन चाहता हूं, अखिलेश यादव जी का कहना है, आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? हाँ अब सुन रहा हूं। जी सर स्वागत है। अखिलेश यादव जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि आपकी पार्टी वोटों की चोरी कर रही है, मतलब ईवीएम की चोरी कर रही है। मैंने 3 दिन पहले कह दिया था कि ये अपनी स्क्रिप्ट, बल्कि आपकी चैनल पर कहा था कि अपनी स्क्रिप्ट कोई लिख रहा होगा, इसको कहते हैं कि नाश ना आए आंगन टेढ़ा या खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ईवीएम के बारे में एक बड़ी अजीब सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी सरकार में कभी उनकी बनी हो या ना बनी हो ईवीएम पर कभी शक नहीं जाहिर किया है। अभी मैं एक बात कहने की हिम्मत कर पा रहा हूं कि शायद हम पंजाब में सरकार नहीं बना पा रहे हैं। अगर ईवीएम में कोई घोटाला होता तो क्या पंजाब
कि सरकार हमको बुरी लगेगी भारतीय जनता पार्टी की। मध्य प्रदेश में हमारी नहीं बनी, वहाँ ईवीएम के द्वारा बनाना या राजस्थान में बनाना या छत्तीसगढ़ में या झारखंड में अथवा दिल्ली राज्य में तीन तीन बार से हमारी सरकार नहीं बन रही है। तो ईवीएम में अगर कुछ होता तो क्या ये सरकारें बनाना भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लग रही है। दूसरी, सौरभ जी मैं एक बात आपको बता दूँ कि डेमोक्रेसी में अगर ये सब होता तो सरकारों के हाथ में अगर सरकार बनाना होता तो सरकारें कभी जाती नहीं, माने वही अपने डीएमएसपी से अपनी सरकार बनवा लिया करता, तो सरकारें कभी नहीं हटती। तो आप देखते होंगे कि सरकारें पलटती रहती हैं, जैसे तवे पर रोटी पलटती रहती है ऐसे सरकारें पलटती रहती हैं। तो ये उनका आरोप है, ये बेबुनियाद है। उनको अपने कुकर्म याद आने चाहिए कि 12 से 17 की सरकार में किस प्रकार से प्लॉटों पे कब्जा, जमीनों पे कब्जा हुआ, किस प्रकार से उन्होंने लड़की सुरक्षित नहीं, बहू बेटी सुरक्षित नहीं थी, पुलिस की भर्तियों में अपनी वो दिया करते थे, सूचियां दिया करते थे। अब ये बताएं कि सर्वाधिक हाईएस्ट वोट तो करहल में हो गया है 93%। तो अखिलेश यादव ये बताएं कि उनकी कुटुंब का एक बूथ 92% हुआ है, क्या 92% हो सकता है? क्या उस गांव के कुछ लोग सीआरपी बीएसएफ आईटीबीपी में नहीं थे? क्या सीआरपी बीएसएफ में नहीं थे, आर्मी एयरफोर्स नेवी में नहीं थे, या अध्यापक नहीं थे, या जो उन्होंने अपनी चार सरकारों में जो तमाम लाइसेंस अपने कुटुंब के लोगों को बनवाया है, क्या वो सिक्योरिटी गार्ड का काम नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद में नहीं करते हैं? क्या उन्हीं के करहल के कुछ गाँव के लोग बड़ौदा, अहमदाबाद और सूरत में नहीं रहते हैं? तो 93% जो उनके उनके कुटुंब का एक गाँव हुआ है वो कैसे हो सकता है? इसी से वो वही जवाब दें। और वहां रिपोल हुआ है नहीं, पूरे 5 राज्यों में अगर पुनर्मतदान किसी बूथ पे हुआ है तो करहल में हुआ है, तो वो तो एक वीडियो चोरी में पकड़ में आ गया था, इसलिए पुनर्मतदान हुआ है। तो ठीक बघेल साहब, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है इसलिए आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने कुछ गड़बड़ करी है चुनाव में वोटिंग के दौरान, वो कह रहे हैं कि सरकार जो है ईवीएम चुरा रही है, वो कहते हैं एग्जिट पोल इसको सब कवर अप करने के लिए उनको एग्जिट पोल से भी प्रॉब्लम है, ये भी वो कह रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, महाराजपुर की सीट का एग्जिट पोल भी देख लेते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर सतीश महाना बनाम फतेह बहादुर सिंह सपा से, और 7 बार के विधायक हैं आपको बता दें सतीश महाना, कानपुर के महाराजपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार उनकी सीट पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक, ऐसा लगता है सतीश महाना अपना चुनाव जीत सकते हैं, यानी बीजेपी के एक और मंत्री जो हैं वो चुनावी रण में फतह हासिल करेंगे ऐसा हमको लगता है। अगली सीट पर आते हैं, इस सीट को लेकर आप चाहें तो 1 घंटा बात करें, वो भी कम पड़ेगा। यह सिराथू की सीट, जहां से केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री मैदान में उतरे हैं, इनके सामने बड़ी स्ट्रेटेजिकली उतारा है सपा समाजवादी पार्टी गठबंधन ने डॉक्टर पल्लवी पटेल को। डॉक्टर पल्लवी पटेल ये अपना दल कमेरावादी से हैं, उन्हें यहां मैदान में उतारा है, और हालांकि हमें लगता है कि यह जरूर है कि यहां पर मैदान उतना साफ नहीं था केशव प्रसाद मौर्य के लिए, यह सीट भी उनके लिए कोई बेहद सेफ सीट हो ऐसा नहीं था, लेकिन एक टफ फाइट में ऐसा एग्जिट पोल हमारा कह रहा है, इशारा कर रहा है कि अपनी सीट निकाल सकते हैं। लेकिन इस पर हम जरूर बात करेंगे कि क्यों बहुत से लोगों को यह लगता है कि सिराथू की सीट चुनकर केशव प्रसाद मौर्य ने शायद कोई गलती की है। आगे बढ़ते हैं, अगली सीट देखते हैं। पहले अगली सीट है इलाहाबाद वेस्ट की, इलाहाबाद पश्चिम की, सिद्धार्थनाथ सिंह मौजूदा मंत्री हैं सरकार में, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने हैं ऋचा सिंह सपा से, और इस बार कोई दिक्कत सिद्धार्थनाथ सिंह को इलाहाबाद पश्चिम से नहीं होनी चाहिए, पिछली बार भी यही सीट वो जीत करके आए थे। एक सीट और देख ले, इटवा की सीट है, इटवा की सीट सिद्धार्थनगर की सीट है, यहां से सतीश चंद्र बीजेपी से है, माता प्रसाद पांडे बड़े वरिष्ठ नेता, 2 बार के स्पीकर रह चुके हैं यूपी असेंबली के, वो चुनाव लड़ रहे हैं और माता प्रसाद पांडे अपनी सीट ये निकाल सकते हैं, ये अनुमान हमारे एग्जिट पोल में आया है। चलिए तो अब एक ओवरऑल टैली जो हमने 30 सीटों की आपके सामने रखी है उसमें देख लेते हैं, तो आप देखेंगे इसमें कि गेरुआ भी है हरा भी है, और इसके अलावा बहुत सी सीटों पर चुनौती भी है जिसको हम कह रहे हैं टफ फाइट। अब अगली सीट है गोरखपुर की शहर मुख्यमंत्री की सीट, ऐसे कहने वाले लोग भी आपको मिलेंगे कि गोरखपुर जाकर के, अखिलेश यादव तो कहते ही थे कि उनका गोरखपुर का टिकट काट दिया बीजेपी ने, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते भी हैं कि वाकई वहां शायद उनको कुछ दिक्कत हो। हमारे सर्वे के मुताबिक कठिन लड़ाई में यह सीट केशव प्रसाद मौर्य निकाल लेंगे ऐसा हमारा अनुमान है, लेकिन आपने क्या पाया क्या जब आप सर्वे कर रहे थे इसको लेकर शशि? देखिए ये इस कंस्टिट्यूंसी में उनका एक वोट है, लेकिन जो सपा ने टिकट दिया पल्लवी पटेल जी का, उनकी भी डेमोग्राफी अच्छी है, कुर्मी प्लस मुस्लिम, यहाँ एक तीसरा इंपॉर्टेंट वोट है पासी समुदाय का, जिसके बड़े नेता वाचस्पति जो कि सपा में थे अभी अपना दल के टिकट पर 12 से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको लड़ाने के पीछे मकसद था कि पासी समुदाय का वोट लेना,
और दूसरा जो डिप्टी सीएम का अपनी एक सैलरी होती है, उनके पास एक रिसोर्सेज होता है चुनाव मुड़ने का। लेकिन मेरा मानना है कि इस सीट में मैं बीजेपी को दे रहा हूं, लेकिन बहुत ही टफ चुनाव है, टफ चुनाव। छोटा छोटा कमेंट देवेंद्र, आपका क्या कहना है? दलित वोटर अगर बीजेपी के साथ रहे तो बीजेपी निश्चित तौर पर बीजेपी जीतेगी उस सीट पर, और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि टफ मुकाबला के बावजूद बीजेपी जीतती हुई दिख रही है, बीजेपी के नेता भी ऐसा मान रहे हैं। बिल्कुल, ये टफ सीट है क्योंकि पल्लवी के जो वोट है वो सारा कुर्मी पटेल जो है वो उनकी तरफ ही खड़ा हुआ था, लेकिन पासी भी वहाँ पे 80,000 से ज़्यादा हैं, और वो जो पासी समाज है वो केशव मौर्य के साथ में कभी साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एक जगह है सैनी करके जहाँ पे पासी समाज बसा हुआ है। 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर का रास्ता है सिराथू से। मैं तो सिराथू में केशव मौर्य जी के साथ में 3 दिन रहा और उनके घर भी रुक के आया, और उनके जो बेटे हैं और माँ हैं वो अभी भी उसी गाँव में रुकते हैं। ये जो साथ उन्होंने बरकरार रखा हुआ है पिछले 5 सालों से कि उनकी माँ उसी गांव में रुकती है, बेटा भी, एक बेटा छोटा बेटा जो इंजीनियरिंग कर रहा है राजस्थान में वो भी वहीं पे आके रुका हुआ है, और उनकी दो पहले बड़े भाई से जो दो बेटियां हैं वो भी सिराथू में ब्याही हुई हैं, वो वहीं पे तो पूरा परिवार वहीं है, पूरा परिवार जो था वो वहीं पे रुकता है। तो सिराथू ऐसा नहीं है कि वो तो सीट आपके हिसाब से चुनाव मुश्किल हो, लेकिन सीट निकाल लेंगे अपनी, सीट बिल्कुल निकालेंगे। अच्छा ठीक है, राजेश छोटा कमेंट। सीट मुश्किल इसलिए है, उसके 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। इंद्रजीत सरोज नाम के नेता हैं, बीएसपी में पहले हुआ करते थे, मंत्री भी रहे, उनकी दलित वोटों पर अच्छी पकड़ है उस इलाके में, और वो चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, तो वो एक बड़ा फैक्टर वहां पे बन रहा है। दूसरा, जिन विधायक का टिकट कटा और जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका नाम है शीतला पटेल, और वो कुर्मी समुदाय से आते हैं, और यही बात को भुनाने के लिए, इस एक जो नाराजगी है कुर्मी समुदाय में भुनाने के लिए, पल्लवी पटेल को टिकट दिया गया जो इस मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है। अच्छा, बघेल हमारे साथ एसयू बघेल साहब हैं। बघेल साहब, आपकी सीट पर बात करूंगा, लेकिन पहले उप मुख्यमंत्री जी की जो सीट है, आपने हमारे साथियों के कमेंट सुने, सब लोग सिराथू गए हैं जितने लोगों ने बात की है, मुझे बताइएगा क्या वाकई में उनके लिए कोई कठिन सीट है ये? राजेश राज ने इंद्रजीत सरोज का तो बता दिया कि बड़े भारी वो पासियों के नेता है, उनने पलट दिया, और राजेश को ये भी बताना चाहिए था, ये बड़े सोशल इंजीनियर हैं, कि सिराथू में 73 गांव पाल बघेल समाज के भी लोग हैं, और टाइगर अभी जिंदा है, मैं भी जाकर वहाँ प्रचार किया हूँ, ठीक है ना। तो हमारा भी चेक जो है ना, वो कभी हमारा चेक है वो कभी बाउंस नहीं हुआ है पार्टनर। तो सिराथू में मैं भी गया, और मेरे डिप्टी सीएम साहब के रिश्ते सबको पता है, बहुत अच्छी तरह पता है, और मैंने यही कहा कि जब मैं करहल में फंसा था तो केशव मौर्य जी का हेलीकॉप्टर उतरा और मुझे मौर्य समाज का एक बहुत बड़ा चेक मिला है। तो जो पाल बघेल लोग हैं, ये ना एहसान भूलते हैं ना अपमान भूलते हैं। हम किसी का कर्ज लेते हैं तो अपनी ज़िंदगी में पटाते हैं, कोई हमें पूड़ी देता है तो हम उस पर गुना रख करके लौटाते हैं। और ये भी मैंने भी वहाँ पर यह कहा कि जो राजू पाल की हत्या हुई थी, वो अतीक अहमद तो बकरी भी नहीं काट सकते हैं। अगर समाजवादी पार्टी का पीठ जब हाथ उनकी पीठ पर हाथ होता है, तो राजू पाल की हत्या हुई जो 2004 में हमारा उभरता हुआ सितारा था, और मेरे पर जान से मारने की नियत हुई। सिराथू में मैंने यही कहा कि जो समाजवादी पार्टी और उसका अलायंस पाल बघेल समाज के वंश की बेल को समूल नष्ट करना चाहता है, उसका सिराथू में वंश नहीं चलना चाहिए। अच्छा सर, ये तो कुल मिला के ये है, केशव मौर्य जी जीत रहे हैं। चलिए, ये तो उप मुख्यमंत्री की सीट की बात हुई, अब हम मुख्यमंत्री की सीट की बात करने जा रहे हैं। गोरखपुर शहर की सीट पर योगी आदित्यनाथ के सामने सुभावती शुक्ला ये चुनाव लड़ रही हैं, और कोई इसमें हमारे लिए तो ये इस सीट को प्रेडिक्ट करना कोई बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम नहीं था कि योगी आदित्यनाथ इस सीट को जीतेंगे। वो ये सीट जीत रहे हैं, माहौल बनाने के लिए अखिलेश यादव ने, उनकी पार्टी ने कुछ भी कहा चुनाव के पीछे, लेकिन इस सीट पर योगी आदित्यनाथ के सामने टक्कर देने वाला कोई उम्मीदवार नहीं था, और वो अपनी सीट को आराम से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगली सीट पर चलते हैं जल्दी से हम, इन सीट फाजिल नगर की सीट पर मुकाबला है सुरेंद्र कुशवाहा बीजेपी बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य यानी एक्स बीजेपी और अभी करंट सपाई, और इन्होंने चुनौती देने के लिए अपनी सीट बदली है, पडरौना से आए थे फाजिल नगर में, लेकिन यहां हारेंगे ऐसा हमें लगता है। अब इनका वो दावा मुझे याद आ रहा है कि मैं जहां जाता हूं सितारे बदल देता हूं, देख लो मायावती कहां है जब मैंने बसपा छोड़ दी, अपना चुनाव हार सकते हैं। ये अभी तक एग्जिट पोल की तस्वीर है। अगली सीट की ओर चलते हैं, देवरिया की सीट है। देवरिया की सीट से आपको बता दें, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे पुराने साथी रहे, पत्रकार हैं शलभमणि त्रिपाठी, ये इस बार चुनाव लड़े हैं, और इनके सामने अजय प्रताप सिंह हैं, और शलभमणि त्रिपाठी
जीत सकते हैं चुनाव, हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक तो वे चुनाव जीत रहे हैं ऐसा दिखाई देता है। चलिए अगली सीट भी देख लेते हैं, पथरदेवा। सूर्य प्रताप शाही मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, ब्रह्मशंकर त्रिपाठी के सामने कांटे की टक्कर यहां पर चल रही है। तो एक और मंत्री जिनकी सीट पर इस वक्त थोड़ी मुश्किल है, टफ फाइट है, सूर्य प्रताप शाही पथरदेवा से ब्रह्मशंकर त्रिपाठी के सामने जो है एक कठिन चुनाव लड़ रहे हैं। अब मऊ की बात कर लेते हैं, मऊ से अशोक कुमार सिंह भाजपा इनके सामने हैं, सुभाजपा के अब्बास अंसारी पुत्र हैं मुख्तार अंसारी के, और उन्हीं के स्टाइल में मूछें रखते हैं, उन्हीं के स्टाइल में बाल रखते हैं और बात भी उन्हीं के स्टाइल में करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस सीट पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इनको रोकने में कामयाब नहीं हो पाएगी, ये साफ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ ही यहाँ को नीतीश चंद दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने ओपन जीप में बड़ा शानदार इंटरव्यू जो है ये अब्बास अंसारी का किया था, दोस्ती उस्ती भी हो गई होगी आपकी, चुनाव तो जीत रहे हैं ऐसा लगता है। देखिए कहना मुश्किल है, मैंने जो देखा है मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं है मुख्तार अंसारी के लिए, के बेटे के लिए इस बार लड़ाई थोड़ी कठिन हो सकती है। वहाँ 25 साल से मुख्तार अंसारी के परिवार का कब्जा है, लेकिन इस बार थोड़ी परिस्थितियाँ अलग हो गई हैं। बीजेपी ने अशोक सिंह को जो उम्मीदवार बनाया है वो उनके भाई की हत्या हुई थी वहाँ पर, और वो क्षत्रिय समाज से आते हैं। भाई की हत्या का जो आरोप लगा था वो मुख्तार अंसारी पर लगा था, और क्षत्रिय समाज मुख्तार अंसारी की मदद करता रहा है, कई ठेकों में इस तरह से क्षत्रिय समाज की भूमिका वहाँ रहती थी। तो चूंकि इस बार क्षत्रिय समाज से ही उम्मीदवार है बीजेपी का, तो एक बड़ा हिस्सा वो टूटा। दूसरी बात की बुलडोजर का जो असर आपको दिखेगा वो मऊ में दिख सकता है, चूंकि मुख्तार अंसारी की जो जीत होती रही है उसमें पैसे की बड़ी भूमिका रही है, और वो पैसा जिनके पास था उनके खिलाफ बुलडोजर चला, उनकी बिल्डिंगें गिराई गई, तो वो सारे लोग इस चुनाव में अभी नदारद हैं, और इस नाते जो पैसे का रोल होता था वो इस बार नहीं हो पाएगा। इसके अलावा बीएसपी ने वहाँ से प्रदेश अध्यक्ष हैं भीम राजभर, उनको उम्मीदवार बना दिया है। पहले दलित और मुस्लिम का कम्बिनेशन यहाँ बहुत ज़्यादा आबादी है, लेकिन बीएसपी का उम्मीदवार चूंकि अब उसी जाति से है राजभर से है, और चूंकि बीएसपी का एक कैडर वोट रहा है, जो मायावती का जो वोटर रहा है वो हम साफ तौर पर खड़ा दिखाई देता है बीएसपी के साथ, तो यहाँ उनको ये भी नुकसान। आपके मुताबिक अब्बास अंसारी भले ही हमारे एग्जिट पोल में दिख रहा है कि सीट निकल रही है उनकी, इतना आसान नहीं है उनके लिए। चलिए ठीक है, आखिरी चार सीटें रह गई, जल्दी से बता देते हैं फिर चलेंगे मेहमानों के पास हमारे। तो अगली सीट आपके सामने जो है देवबंद की आ रही है, ब्रजेश सिंह रावत भाजपा के, उनके सामने कार्तिकेय राणा है, यहां सपा ये सीट निकाल सकती है देवबंद की। अगली सीट घोसी की है, अगली तीन सीटों पर बहुत अच्छी निगाह रखिएगा। घोसी की सीट स्क्रीन पर जब आएगी आपको उम्मीदवार दिखेंगे विजय कुमार राजभर भाजपा बनाम दारा सिंह चौहान, फिर एक्स भाजपा करंट सपाई दारा सिंह चौहान, और यहां पर ही अपनी सीट निकालते दिखाई दे रहे हैं। कम से कम सीट के लिहाज से इनका अनुमान यहां पर ठीक रहा और ये सीट अपनी निकाल लेंगे। जहूराबाद, जहूराबाद में चुनाव लड़ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। जितने विरोधी हैं भाजपा के उत्तर प्रदेश में उसमें से अगर कोई सबसे तीखी जबान बोलता है उनमें से एक है ओम प्रकाश राजभर, और ओम प्रकाश राजभर भी अपना चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं जहूराबाद से। कालीचरण बीजेपी के उनके सामने, लेकिन ओपी राजभर जीत सकते हैं। शिवपुर की आखिरी सीट है मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं, यहां दोनों राजभर हैं, अनिल राजभर जो कि मौजूदा सरकार के मंत्री हैं, और इनके सामने अरविंद राजभर, ये ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं। ओम प्रकाश राजभर जीत रहे हैं, पुत्र उनके अरविंद राजभर हार रहे हैं, तो ये एक सेटबैक जो है ओपी राजभर के लिए हो सकता है। यहां पर एक मंत्री उनके विरुद्ध उतारे थे बीजेपी ने और वो बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये टोटल कुछ सीटों की गणना आपके सामने, हम इसमें गिनती करना इसीलिए बेमानी है क्योंकि 403 की विधानसभा है, हमने केवल 30 सीट का आपको एग्जिट पोल दिखाया है, लेकिन इसमें हम जैसा मैंने कहा कि बहुत कम सरप्राइजेस हैं, जितने भी ये बड़े वृक्ष हैं ये तने खड़े रहेंगे ऐसा हमको लगता है। और क्योंकि अब समय कम है मैं ज्यादा गोरखपुर पर बात करूं तो शायद उस पर वक्त जाया करना होगा, तो मैं उसको छोड़ता हूं और मैं आता हूं सबसे पहले ये जो दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर, बघेल साहब ये जो आपके पुराने साथी आपको छोड़ करके गए, कम से कम ये दो बड़े नेता दारा सिंह चौहान ओम प्रकाश राजभर ये सीट निकाल रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट मुश्किल में जरूर है। देखो मैं आपको लगातार सुन रहा हूं और मुझे कभी भाजपा के नेता की जगह आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बुलाएं तो मैं बड़ा मजेदार बातें आपको बताता। फिर भी जो आपने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा वो जर जाते हैं और सरकार बना देते हैं, अरे भैया जब सरकार बनी थी तो हाथी पर हम भी बैठे थे,
नसीबुद्दीन सिद्दीकी भी थे, बाबू सिंह कुशवाहा इनसे बड़े नेता थे, वो बैठे थे, दारा सिंह चौहान बैठा था, लालजी वर्मा बैठे थे, रामचल राजभर बैठे थे, और मैं छोटे नेताओं का नाम नहीं ले रहा हूँ, सबने मिलकर बनाया था। क्रेडिट काहे को स्वामी प्रसाद मौर्य लेना चाह रहे हैं फालतू में। अच्छा, अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने बताया कि गोरखपुर की सीट पर समाजवादी पार्टी की शोभावती शुक्ला, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अब मैं पूरे देश से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या करहल में लोगों को पता नहीं था कि एसपी सिंह बघेल अखिलेश के सामने कौन लड़ रहा है? लेकिन मेरे लिए बड़ी आश्चर्य की बात है कि शोभावती शुक्ला को मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की लड़ाई है। आप ये बात करहल में नहीं कह सकते? अगर 5 साल के बच्चे से पूछोगे कि एसपी सिंह बघेल कौन है तो यूपी का भी बताएगा, और करहल का तो कहेगा ही कि जिसने डाली नाक में नकेल उसका नाम एसपी बघेल, और जो है काहे पड़े हो चक्कर में, करहल आ गई टक्कर में, और देखो देखो कौन आया, मोदी जी का शेर आया, और अश्वमेघ का घोड़ा है, मोदी जी ने छोड़ा। ये 5 साल के बच्चे वहाँ पे नारे लगाते हैं, तो वो शोभावती शुक्ला वर्सेज महाराज नहीं है, यहाँ पर एक अच्छी लड़ाई हो रही है। और इसीलिए आप मेरे चुनाव के दौरान आपके रिपोर्टर कम से कम 17 दिन में 12 बार आई हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो वो 1.5 लाख की अखिलेश की, जो अखिलेश जी का कहना है कि वो 1.5 लाख से जीत रहे थे, उसको कवर करने के लिए आप समय जाया नहीं करेंगे? अच्छा, मेरी तरफ से अखिलेश जी को 2 शेर सुना दो, ईवीएम पर जो वो कह रहे हैं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लौटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और एडजेक्ट पोल के बाद एक शेर उनको सुनाना चाहूंगा कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं, ताज्जुब है तुम्हें यकीन नहीं। ठीक है बघेल साहब, शेर तो शायद उन्होंने सुन ही लिए होंगे आपके, और करहल में कैसी लड़ाई है इसका जिक्र आपने कर दिया। हमारे साथी यकीनन कई बार आपसे मिले हैं वहां पर, और उनका ये अनुमान, उनका भी ये अनुमान है कि अखिलेश यादव जिस सीट को बहुत सेफ सीट समझ के गए थे, ऐसा नहीं है। प्रोफेसर एसपी बघेल अच्छा चुनाव वहां पर लड़ रहे हैं, ये हमारे तमाम साथियों का आंकलन भी है। सौरभ जी, सौरभ जी, चार चीजों से देखो, मैं राजनीतिक लफाजी कभी नहीं करता हूं जिंदगी में, चार चीजें ये बता रही हैं कि या तो वो फंसे हैं या वो हार रहे हैं। उदाहरण के तौर से 31 तारीख को नॉमिनेशन करने पर उन्होंने कहा था मैं 40 दिन बाद आऊंगा, और मैंने कहा था 7 दिन के अंदर ना बुला लूँ तो मेरा नाम एसपी सिंह बघेल नहीं, उनको 6वें दिन आना पड़ा। ये देखो, आपने भी जर्नलिज्म पढ़ा है और मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, 6वें दिन आ गए। दूसरी ताज्जुब की बात थी कि 17 तारीख को दोबारा आना पड़ा, जो हमने 5 से लेकर 16 के बीच में माहौल बनाया, साथ में अपने वृद्ध एवं बीमार पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी को लाना पड़ा। ये छोटी बात नहीं है, ये अगर ये एक सामान्य बात है तो जरा हमें एक वीडियो आप और दिखा दो इंडिया टीवी की तरफ से कि नेताजी और कहीं गए हों। तीसरी बात, उन्होंने कहा था कार्यकर्ता लड़ेंगे, तो मैंने उनके घर के 6 लोगों को खूंटे से बांध के रखा था करहल में, जिनका नाम है श्री रामगोपाल यादव, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री अक्षय यादव, श्री धर्मेंद्र यादव, श्रीमती डिंपल यादव, श्री तेज प्रताप सिंह यादव। ये अगर 5 लोग केवल 4-4 सभाएं हेलीकॉप्टर से करते तो ये एक दिन में 20 सभा। बघेल साहब, समय की मेरे पास बहुत कमी है, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं माफी के साथ बीच में, लेकिन मैं एक बात कह दूं, अभी आपने कहा कि आपको राजनीतिक विश्लेषक की तरह बुलाते तो आप बड़ी मजेदार बातें बताते, तो मैं आपका आज 10 तारीख का समय मांग ले रहा हूं आपका राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। जब आपकी सीट का एक ही बात होगी तो नेता हो जाइएगा, लेकिन बाकी पूरा दिन हमारे साथ आप एक राजनीतिक विश्लेषक की तरह रहिए। मैं काउंटिंग में जा रहा हूं, मैं अच्छा। काउंटिंग में जा रहा हूं, सुनो सौरभ जी, 1.5 लाख से जीतने वाला काउंटिंग में नहीं जाता है और 1.5 लाख से हारने वाला काउंटिंग में नहीं जाता है। मैं करहल की काउंटिंग में रहूंगा। ठीक, मैं आशान्वित हूं कि वहां भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बघेल साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक आखिरी कमेंट, हमारे साथी जो है विशाल प्रताप सिंह, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शिवपुर में। आज जो आपने देखा एक वीडियो जो डाला गया वहां से ईवीएम का, वो शिवपुर का ही था जहां पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। मामला था क्या लेकिन वो आखिर विशाल? विशाल आपको आवाज मिल रही है? सौरभ अपना सवाल दोहरा दें आप। मैं कह रहा हूं ये जो ईवीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो वीडियो दिखाया गया, सारा मामला है क्या? देखिए, अब से कुछ देर पहले सौरभ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी जो ऑफिस है उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये दावा किया कि जिस तरीके से वाराणसी के शिवपुर से उम्मीदवार हैं अरविंद राजभर, उनके कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे और वहां से प्रशासन की 3 गाड़ियां जा रही थी, ये अखिलेश यादव का वर्जन है, ओम प्रकाश राजभर का वर्जन है, और 2 गाड़ियां वहां से निकल गए लेकिन 1 गाड़ी को किसी तरीके से उन्होंने पकड़ लिया तो उस गाड़ी में से ईवीएम बरामद हुई है। इसको लेकर के अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी से पूरे चुनाव को जीतना
जा रही है और बाकायदा उन्होंने प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने सभी डीएम्स को फोन किया और ये कहा है, ये बड़ा आरोप है अखिलेश यादव की तरफ से कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी या पीछे रहेगी वहां पर मतगणना को धीमे कराना। लेकिन जब इस बारे में डीएम वाराणसी से बातचीत की गई तो उनका जो वर्जन था वो ये था कि ये जो ईवीएम मशीन वहां पर पकड़ने का दावा किया जा रहा है दरअसल ये वो ईवीएम मशीन है जो कि प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों को भेजी जा रही थी और इस ईवीएम मशीन का वोट से कोई लेना देना नहीं है, इस ईवीएम मशीन में कोई वोट नहीं पड़ा है। तो यह बड़ा आरोप लगाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और इसके जरिए वो चुनाव जीतना चाहती है, बेईमानी करना चाहती है। लेकिन अखिलेश यादव के इस पूरे बयान पर डीएम वाराणसी ने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि जो ईवीएम बरामद हुई है दरअसल वो प्रशिक्षण के लिए जा रही थी और उसका चुनाव के साथ कोई भी लेना देना नहीं था। तो दोनों तरफ से जो आरोप प्रत्यारोप है मतलब लेकिन अखिलेश यादव इसका जवाब भी आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका और हमारे तमाम और साथी जो स्टूडियो में रहे। रोहन हमारे साथ आज जुड़े हैं, रोहन आपका ही बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।